फिल्म हनुमान का रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर रिलीज। इंडियन सुपर हीरो के अवतार में तेजा सज्जा ने उड़ाए होश। तेजा सज्जा स्टारर तेलुगु सिनेमा की सुपर हीरो फिल्म हनुमान का टीजर रिलीज होने के बाद से ही फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब मेकर्स ने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ाते हुए इस मोस्ट अवेटेड फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज कर दिया है। ट्रेलर बेहद ही दमदार है और इसे देखकर यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसमें पौराणिक कथाओं और कल्पना का मिश्रण दिखाया गया है। ट्रेलर की शुरुआत में तेजा सज्जा समुद्र की अथाह गहराइयों में नजर आते हैं। इसके बाद भगवान हनुमान का वर्णन करते हुए बैकग्राउंड साउंड आती है और फिर गदा लिए हनुमान जी की बड़ी सी प्रतिमा दिखती है और फिर तेजस जंगल में चीते से भी तेज दौड़ते हुए नजर आते हैं। एक के बाद एक ये सीन्स रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। इसके बाद तेजा जमीन पर अपना मुक्का मारते हैं और दुश्मन हवा में उड़ जाते हैं। ये सब देखकर गांव वाले हनुमान का जयकारा लगाते हैं। फिर तेजा बड़ी सी चट्टान अपने हाथों में लिए नजर आते हैं, जिसे देखकर गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। फिर एक घटना घटती है और तेज श्री राम का जयकारा लगाते हुए भगवान हनुमान जितने बलवान नजर आते हैं। ट्रेलर में काफी एक्शन भी देखने को मिला है। ओवरऑल फिल्म का ट्रेलर काफी जबरदस्त है। बैकग्राउंड में संस्कृत श्लोक इसे और भी शानदार बना रहे हैं। तेलुगु सुपर हीरो फिल्म हनुमान में तेजा सज्जा के अलावा विनय राय, अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी, शरद कुमार, राज, दीपक शेट्टी, विनेला किशोर और कई अन्य कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है। हनुमान काल्पनिक गांव अंजरदारी पर बेस्ड है। इस फिल्म को प्रशांत वर्मा द्वारा निर्देशित किया गया है। ये फिल्म अपनी पहली किश्त के रूप में एक नया सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने के लिए तैयार है। ये फिल्म अगले साल यानी 12 जनवरी 2024 को संक्रांति के अवसर पर रिलीज होगी। रोंगटे खड़े करने वाले सीन और मंत्र जप से भरा क्लिप। सुपर हीरो के रोल में छा गए तेजा सज्जा। प्रशांत वर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म हनुमान को लेकर कई महीनों से हर तरफ चर्चा थी। इसके टीजर ने लोगों के बीच एक्साइटमेंट पैदा कर दी थी और अब ट्रेलर भी कुछ ऐसा ही कमाल दिखा रहा है। 19 दिसंबर को मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया। लीड रोल में एक्टर तेजा सज्जा गंभीर अवतार में नजर आ रहे हैं। टीजर रिलीज होने से पहले तेलुगु राज्य के बाहर फिल्म के लिए कोई बड़ी चर्चा नहीं थी, लेकिन इसके क्लिप वायरल होने के बाद से ये देश की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनती दिखाई दे रही है। ट्रेलर की शुरुआत हीरो के पानी में गोता लगाने से होती है। वो वहाँ कुछ अजीब सा देखता है। उसके बाद के सीन्स में वो एक सुपर हीरो बनकर दिखाई देता है और उसके पास महाशक्तियाँ होती है। फिर आता है फिल्म का विलेन, जो दुनिया पर राज करना चाहता है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए वास्तविक शक्तियों की तलाश में है। वो अपनी सेना के साथ अंधनंद्री में आता है और वह सब कुछ नष्ट कर देता है। अच्छाई और बुराई की लड़ाई कहानी को और मजबूत बना रही है। भगवान हनुमान का अंतिम सीन श्री राम का जप करता है और फिर बर्फ फोड़ता दिखाई देता है। ये रोंगटे खड़े करने वाला सीन है। प्रशांत वर्मा, जो एक टैलेंटेड कहानीकार है, वो अपनी राइटिंग और कहानी से फैंस को अक्सर चौंकाते रहते हैं। ट्रेलर में अंधरंद्री को शानदार दंग से दिखाया गया है। तेजा सज्जा एक दलित आदमी के रोल में है, जो बाद में सुपर हीरो बनकर सामने आता है। सुपर विलन के रूप में विनय राय घातक है। देशरथी शिवेंद्र की सिनेमाटोग्राफी भी कमाल की है। कुल मिलाकर इसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने की पूरी कोशिश की गई है। ये इंडियन सुपर हीरो फिल्म प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म है। इसका ट्रेलर काफी इम्प्रेस कर रहा है। जाहिर तौर पर जब ये सिनेमाघरों में उतरेगी तो बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार देखने को मिल सकता है। प्रोड्यूसर के निरंजन रेड्डी की बनाई हनुमान 12 जनवरी को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तेलुगु फिल्म हनुमान का रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर रिलीज। इंडियन सुपर हीरो के अवतार में तेजा सज्जा ने उड़ाए होश। तेजा सज्जा स्टारर तेलुगु सिनेमा की सुपर हीरो फिल्म हनुमान का टीजर रिलीज होने के बाद से ही फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब मेकर्स ने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ाते हुए इस मोस्ट अवेटेड फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज कर दिया है। ट्रेलर बेहद ही दमदार है और इसे देखकर यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसमें पौराणिक कथाओं और कल्पना का मिश्रण दिखाया गया है। ट्रेलर की शुरुआत में तेजा सज्जा समुद्र की
अथाह गहराइयों में नजर आते हैं। इसके बाद भगवान हनुमान का वर्णन करते हुए बैकग्राउंड साउंड आती है और फिर गदा लिए हनुमान जी की बड़ी सी प्रतिमा दिखती है और फिर तेजस जंगल में चीते से भी तेज दौड़ते हुए नजर आते हैं। एक के बाद एक ये सीन्स रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। इसके बाद तेजा जमीन पर अपना मुक्का मारते हैं और दुश्मन हवा में उड़ जाते हैं। ये सब देखकर गांव वाले हनुमान का जयकारा लगाते हैं। फिर तेजा बड़ी सी चट्टान अपने हाथों में लिए नजर आते हैं, जिसे देख कर गाँव वालों के होश उड़ जाते हैं। फिर एक घटना घटती है और तेज श्री राम का जयकारा लगाते हुए भगवान हनुमान जितने बलवान नजर आते हैं। ट्रेलर में काफी एक्शन भी देखने को मिला है। ओवरऑल फिल्म का ट्रेलर काफी जबरदस्त है। बैकग्राउंड में संस्कृत श्लोक इसे और भी शानदार बना रहे हैं। तेलुगु सुपर हीरो फिल्म हनुमान में तेजा सजा के अलावा विनय राय, अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी शरद कुमार, राज दीपक शेट्टी, विनेला किशोर और कई अन्य कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है। हनुमान काल्पनिक गांव अंजरदारी पर बेस्ड है। इस फिल्म को प्रशांत वर्मा द्वारा निर्देशित किया गया है। ये फिल्म अपनी पहली किश्त के रूप में एक नया सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने के लिए तैयार है। ये फिल्म अगले साल यानी 12 जनवरी 2024 को संक्रांति के अवसर पर रिलीज होगी। रोंगटे खड़े करने वाले सीन और मंत्र जप से भरा क्लिप, सुपर हीरो के रोल में छा गए तेजा सज्जा। प्रशांत वर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म हनुमान को लेकर कई महीनों से हर तरफ चर्चा थी। इसके टीजर ने लोगों के बीच एक्साइटमेंट पैदा कर दी थी और अब ट्रेलर भी कुछ ऐसा ही कमाल दिखा रहा है। 19 दिसंबर को मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया। लीड रोल में एक्टर तेजा सज्जा गंभीर अवतार में नजर आ रहे हैं। टीजर रिलीज होने से पहले तेलुगु राज्य के बाहर फिल्म के लिए कोई बड़ी चर्चा नहीं थी, लेकिन इसके क्लिप वायरल होने के बाद से ये देश की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनती दिखाई दे रही है। ट्रेलर की शुरुआत हीरो के पानी में गोता लगाने से होती है। वो वहाँ कुछ अजीब सा देखता है। उसके बाद के सीन्स में वो एक सुपर हीरो बनकर दिखाई देता है और उसके पास महाशक्तियाँ होती है। फिर आता है फिल्म का विलेन जो दुनिया पर राज करना चाहता है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए वास्तविक शक्तियों की तलाश में है। वो अपनी सेना के साथ अंधनंद्री में आता है और वह सब कुछ नष्ट कर देता है। अच्छाई और बुराई की लड़ाई कहानी को और मजबूत बना रही है। भगवान हनुमान का अंतिम सीन श्री राम का जप करता है और फिर बर्फ फोड़ता दिखाई देता है। ये रोंगटे खड़े करने वाला सीन है। प्रशांत वर्मा जो एक टैलेंटेड कहानीकार है, वो अपनी राइटिंग और कहानी से फैंस को अक्सर चौंकाते रहते हैं। ट्रेलर में अंधरंद्री को शानदार दंग से दिखाया गया है। तेजा सज्जा एक दलित आदमी के रोल में है जो बाद में सुपर हीरो बनकर सामने आता है। सुपर विलन के रूप में विनय राय घातक है। देश रधि शिवेंद्र की सिनेमाटोग्राफी भी कमाल की है। कुल मिलाकर इसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने की पूरी कोशिश की गई है। ये इंडियन सुपर हीरो फिल्म प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म है। इसका ट्रेलर काफी इम्प्रेस कर रहा है। जाहिर तौर पर जब ये सिनेमाघरों में उतरेगी तो बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार देखने को मिल सकता है। प्रोड्यूसर के निरंजन रेड्डी के बनाई हनुमान 12 जनवरी को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तेलुगु फिल्म हनुमान का रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर रिलीज। इंडियन सुपर हीरो के अवतार में तेजा सज्जा ने उड़ाए होश। तेजा सज्जा स्टारर तेलुगु सिनेमा की सुपर हीरो फिल्म हनुमान का टीजर रिलीज होने के बाद से ही फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब मेकर्स ने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ाते हुए इस मोस्ट अवेटेड फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज कर दिया है। ट्रेलर बेहद ही दमदार है और इसे देखकर यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसमें पौराणिक कथाओं और कल्पना का मिश्रण दिखाया गया है। ट्रेलर की शुरुआत में तेजा सज्जा समुद्र की अथाह गहराइयों में नजर आते हैं। इसके बाद भगवान हनुमान का वर्णन करते हुए बैकग्राउंड साउंड आती है और फिर गदा लिए हनुमान जी की बड़ी सी प्रतिमा दिखती है और फिर तेजस जंगल में चीते से भी तेज दौड़ते हुए नजर आते हैं। एक के बाद एक ये सीन्स रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। इसके बाद तेजा जमीन पर अपना मुक्का मारते हैं और दुश्मन हवा में उड़ जाते हैं। ये सब देखकर गांव वाले हनुमान का जयकारा लगाते हैं। फिर तेजा बड़ी सी चट्टान अपने हाथों में लिए नजर आते हैं, जिसे देखकर गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। फिर एक घटना
घटती है और तेज श्री राम का जयकारा लगाते हुए भगवान हनुमान जितने बलवान नजर आते हैं। ट्रेलर में काफी एक्शन भी देखने को मिला है। ओवरऑल फिल्म का ट्रेलर काफी जबरदस्त है। बैकग्राउंड में संस्कृत श्लोक इसे और भी शानदार बना रहे हैं। तेलुगु सुपर हीरो फिल्म हनुमान में तेजा सजा के अलावा विनय राय, अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी, शरद कुमार, राज दीपक शेट्टी, विनेला किशोर और कई अन्य कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है। हनुमान काल्पनिक गांव अंजरदारी पर बेस्ड है। इस फिल्म को प्रशांत वर्मा द्वारा निर्देशित किया गया है। ये फिल्म अपनी पहली किश्त के रूप में एक नया सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने के लिए तैयार है। ये फिल्म अगले साल यानी 12 जनवरी 2024 को संक्रांति के अवसर पर रिलीज होगी। रोंगटे खड़े करने वाले सीन और मंत्र जप से भरा क्लिप, सुपर हीरो के रोल में छा गए तेजा सज्जा। प्रशांत वर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म हनुमान को लेकर कई महीनों से हर तरफ चर्चा थी। इसके टीजर ने लोगों के बीच एक्साइटमेंट पैदा कर दी थी और अब ट्रेलर भी कुछ ऐसा ही कमाल दिखा रहा है। 19 दिसंबर को मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया। लीड रोल में एक्टर तेजा सज्जा गंभीर रफ्तार में नजर आ रहे हैं। टीजर रिलीज होने से पहले तेलुगु राज्य के बाहर फिल्म के लिए कोई बड़ी चर्चा नहीं थी, लेकिन इसके क्लिप वायरल होने के बाद से ये देश की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनती दिखाई दे रही है। ट्रेलर की शुरुआत हीरो के पानी में गोता लगाने से होती है। वो वहाँ कुछ अजीब सा देखता है। उसके बाद के सीन्स में वो एक सुपर हीरो बनकर दिखाई देता है और उसके पास महाशक्तियाँ होती है। फिर आता है फिल्म का विलेन जो दुनिया पर राज करना चाहता है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए वास्तविक शक्तियों की तलाश में है। वो अपनी सेना के साथ अंधनंद्री में आता है और वह सब कुछ नष्ट कर देता है। अच्छाई और बुराई की लड़ाई कहानी को और मजबूत बना रही है। भगवान हनुमान का अंतिम सीन श्री राम का जप करता है और फिर बर्फ फोड़ता दिखाई देता है। ये रोंगटे खड़े करने वाला सीन है। प्रशांत वर्मा जो एक टैलेंटेड कहानीकार है, वो अपनी राइटिंग और कहानी से फैंस को अक्सर चौंकाते रहते हैं। ट्रेलर में अंधरंद्री को शानदार दंग से दिखाया गया है। तेजा सज्जा एक दलित आदमी के रोल में है जो बाद में सुपर हीरो बनकर सामने आता है। सुपर विलन के रूप में विनय राय घातक है। देशरथी शिवेंद्र की सिनेमाटोग्राफी भी कमाल की है। कुल मिलाकर इसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने की पूरी कोशिश की गई है। ये इंडियन सुपर हीरो फिल्म प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म है। इसका ट्रेलर काफी इम्प्रेस कर रहा है। जाहिर तौर पर जब ये सिनेमाघरों में उतरेगी तो बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार देखने को मिल सकता है। प्रोड्यूसर के निरंजन रेड्डी के बनाई हनुमान 12 जनवरी को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तेलुगु फिल्म हनुमान का रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर रिलीज। इंडियन सुपर हीरो के अवतार में तेजा सज्जा ने उड़ाए होश। तेजा सज्जा स्टारर तेलुगु सिनेमा की सुपर हीरो फिल्म हनुमान का टीजर रिलीज होने के बाद से ही फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब मेकर्स ने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ाते हुए इस मोस्ट अवेटेड फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज कर दिया है। ट्रेलर बेहद ही दमदार है और इसे देखकर यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसमें पौराणिक कथाओं और कल्पना का मिश्रण दिखाया गया है। ट्रेलर की शुरुआत में तेजा सज्जा समुद्र की अथाह गहराइयों में नजर आते हैं। इसके बाद भगवान हनुमान का वर्णन करते हुए बैकग्राउंड साउंड आती है और फिर गदा लिए हनुमान जी की बड़ी सी प्रतिमा दिखती है और फिर तेजस जंगल में चीते से भी तेज दौड़ते हुए नजर आते हैं। एक के बाद एक ये सीन्स रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। इसके बाद तेजा जमीन पर अपना मुक्का मारते हैं और दुश्मन हवा में उड़ जाते हैं। ये सब देखकर गांव वाले हनुमान का जयकारा लगाते हैं। फिर तेजा बड़ी सी चट्टान अपने हाथों में लिए नजर आते हैं, जिसे देखकर गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। फिर एक घटना घटती है और तेज श्री राम का जयकारा लगाते हुए भगवान हनुमान जितने बलवान नजर आते हैं। ट्रेलर में काफी एक्शन भी देखने को मिला है। ओवरऑल फिल्म का ट्रेलर काफी जबरदस्त है। बैकग्राउंड में संस्कृत श्लोक इसे और भी शानदार बना रहे हैं। तेलुगु सुपर हीरो फिल्म हनुमान में तेजा सज्जा के अलावा विनय राय, अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी, शरद कुमार, राज दीपक शेट्टी, विनेला किशोर और कई अन्य कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है। हनुमान काल्पनिक गांव
अंजरदारी पर बेस्ड है। इस फिल्म को प्रशांत वर्मा द्वारा निर्देशित किया गया है। ये फिल्म अपनी पहली किश्त के रूप में एक नया सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने के लिए तैयार है। ये फिल्म अगले साल यानी 12 जनवरी 2024 को संक्रांति के अवसर पर रिलीज होगी। रोंगटे खड़े करने वाले सीन और मंत्र जप से भरा क्लिप, सुपर हीरो के रोल में छा गए तेजस सज्जा। प्रशांत वर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म हनुमान को लेकर कई महीनों से हर तरफ चर्चा थी। इसके टीजर ने लोगों के बीच एक्साइटमेंट पैदा कर दी थी और अब ट्रेलर भी कुछ ऐसा ही कमाल दिखा रहा है। 19 दिसंबर को मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया। लीड रोल में एक्टर तेजस सज्जा गंभीर अवतार में नजर आ रहे हैं। टीजर रिलीज होने से पहले तेलुगु राज्य के बाहर फिल्म के लिए कोई बड़ी चर्चा नहीं थी, लेकिन इसके क्लिप वायरल होने के बाद से ये देश की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनती दिखाई दे रही है। ट्रेलर की शुरुआत हीरो के पानी में गोता लगाने से होती है। वो वहाँ कुछ अजीब सा देखता है। उसके बाद के सीन्स में वो एक सुपर हीरो बनकर दिखाई देता है और उसके पास महाशक्तियाँ होती है। फिर आता है फिल्म का विलन जो दुनिया पर राज करना चाहता है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए वास्तविक शक्तियों की तलाश में है। वो अपनी सेना के साथ अंधनंद्री में आता है और वह सब कुछ नष्ट कर देता है। अच्छाई और बुराई की लड़ाई कहानी को और मजबूत बना रही है। भगवान हनुमान का अंतिम सीन श्री राम का जप करता है और फिर बर्फ फोड़ता दिखाई देता है। ये रोंगटे खड़े करने वाला सीन है। प्रशांत वर्मा जो एक टैलेंटेड कहानीकार है, वो अपनी राइटिंग और कहानी से फैंस को अक्सर चौंकाते रहते हैं। ट्रेलर में अंधरंद्री को शानदार दंग से दिखाया गया है। तेजस सज्जा एक दलित आदमी के रोल में है जो बाद में सुपर हीरो बनकर सामने आता है। सुपर विलन के रूप में विनय राय घातक है। देशरथि शिवेंद्र की सिनेमाटोग्राफी भी कमाल की है। कुल मिलाकर इसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने की पूरी कोशिश की गई है। ये इंडियन सुपर हीरो फिल्म प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म है। इसका ट्रेलर काफी इम्प्रेस कर रहा है। जाहिर तौर पर जब ये सिनेमाघरों में उतरेगी तो बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार देखने को मिल सकता है। प्रोड्यूसर के निरंजन रेड्डी की बनाई हनुमान 12 जनवरी को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तेलुगु फिल्म हनुमान का रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर रिलीज। इंडियन सुपर हीरो के अवतार में तेजस सज्जा ने उड़ाए होश। तेजस सज्जा स्टारर तेलुगु सिनेमा की सुपर हीरो फिल्म हनुमान का टीजर रिलीज होने के बाद से ही फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब मेकर्स ने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ाते हुए इस मोस्ट अवेटेड फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज कर दिया है। ट्रेलर बेहद ही दमदार है और इसे देखकर यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसमें पौराणिक कथाओं और कल्पना का मिश्रण दिखाया गया है। ट्रेलर की शुरुआत में तेजस सज्जा समुद्र की अथाह गहराइयों में नजर आते हैं। इसके बाद भगवान हनुमान का वर्णन करते हुए बैकग्राउंड साउंड आती है और फिर गदा लिए हनुमान जी की बड़ी सी प्रतिमा दिखती है और फिर तेजस जंगल में चीते से भी तेज दौड़ते हुए नजर आते हैं। एक के बाद एक ये सीन्स रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। इसके बाद तेजा जमीन पर अपना मुक्का मारते हैं और दुश्मन हवा में उड़ जाते हैं। ये सब देखकर गांव वाले हनुमान का जयकारा लगाते हैं। फिर तेजा बड़ी सी चट्टान अपने हाथों में लिए नजर आते हैं, जिसे देखकर गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। फिर एक घटना घटती है और तेजस श्री राम का जयकारा लगाते हुए भगवान हनुमान जितने बलवान नजर आते हैं। ट्रेलर में काफी एक्शन भी देखने को मिला है। ओवरऑल फिल्म का ट्रेलर काफी जबरदस्त है। बैकग्राउंड में संस्कृत श्लोक इसे और भी शानदार बना रहे हैं। तेलुगु सुपर हीरो फिल्म हनुमान में तेजस सज्जा के अलावा विनय राय, अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी शरद कुमार, राज दीपक शेट्टी, विनेला किशोर और कई अन्य कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है। हनुमान काल्पनिक गाँव अंजरदारी पर बेस्ड है। इस फिल्म को प्रशांत वर्मा द्वारा निर्देशित किया गया है। ये फिल्म अपनी पहली किश्त के रूप में एक नया सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने के लिए तैयार है। ये फिल्म अगले साल यानी 12 जनवरी 2024 को संक्रांति के अवसर पर रिलीज होगी। रोंगटे खड़े करने वाले सीन और मंत्र जप से भरा क्लिप, सुपर हीरो के रोल में छा गए तेजस सज्जा। प्रशांत वर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म हनुमान को लेकर कई महीनों से हर तरफ चर्चा थी। इसके टीजर ने लोगों के बीच एक्साइटमेंट पैदा कर दी थी और अब ट्रेलर भी कुछ ऐसा ही कमाल दिखा रहा है।
19 दिसंबर को मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया। लीड रोल में एक्टर तेजा सज्जा गंभीर अवतार में नजर आ रहे हैं। टीजर रिलीज होने से पहले तेलुगु राज्य के बाहर फिल्म के लिए कोई बड़ी चर्चा नहीं थी, लेकिन इसके क्लिप वायरल होने के बाद से ये देश की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनती दिखाई दे रही है। ट्रेलर की शुरुआत हीरो के पानी में गोता लगाने से होती है। वो वहाँ कुछ अजीब सा देखता है। उसके बाद के सीन्स में वो एक सुपर हीरो बनकर दिखाई देता है और उसके पास महाशक्तियाँ होती है। फिर आता है फिल्म का विलेन जो दुनिया पर राज करना चाहता है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए वास्तविक शक्तियों की तलाश में है। वो अपनी सेना के साथ अंधनंद्री में आता है और वह सब कुछ नष्ट कर देता है। अच्छाई और बुराई की लड़ाई कहानी को और मजबूत बना रही है। भगवान हनुमान का अंतिम सीन श्री राम का जप करता है और फिर बर्फ फोड़ता दिखाई देता है। ये रोंगटे खड़े करने वाला सीन है। प्रशांत वर्मा जो एक टैलेंटेड कहानीकार है, वो अपनी राइटिंग और कहानी से फैंस को अक्सर चौंकाते रहते हैं। ट्रेलर में अंधरंद्री को शानदार दंग से दिखाया गया है। तेजस सज्जा एक दलित आदमी के रोल में है जो बाद में सुपर हीरो बनकर सामने आता है। सुपर विलन के रूप में विनय राय घातक है। देश रधि शिवेंद्र की सिनेमाटोग्राफी भी कमाल की है। कुल मिलाकर इसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने की पूरी कोशिश की गई है। ये इंडियन सुपर हीरो फिल्म प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म है। इसका ट्रेलर काफी इम्प्रेस कर रहा है। जाहिर तौर पर जब ये सिनेमाघरों में उतरेगी तो बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार देखने को मिल सकता है। प्रोड्यूसर के निरंजन रेड्डी के बनाई हनुमान 12 जनवरी को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तेलुगु फिल्म हनुमान का रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर रिलीज। इंडियन सुपर हीरो के अवतार में तेजा सज्जा ने उड़ाए होश। तेजा सज्जा स्टारर तेलुगु सिनेमा की सुपर हीरो फिल्म हनुमान का टीजर रिलीज होने के बाद से ही फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब मेकर्स ने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ाते हुए इस मोस्ट अवेटेड फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज कर दिया है। ट्रेलर बेहद ही दमदार है और इसे देखकर यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसमें पौराणिक कथाओं और कल्पना का मिश्रण दिखाया गया है। ट्रेलर की शुरुआत में तेजा सज्जा समुद्र की अथाह गहराइयों में नजर आते हैं। इसके बाद भगवान हनुमान का वर्णन करते हुए बैकग्राउंड साउंड आती है और फिर गदा लिए हनुमान जी की बड़ी सी प्रतिमा दिखती है और फिर तेजस जंगल में चीते से भी तेज दौड़ते हुए नजर आते हैं। एक के बाद एक ये सीन्स रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। इसके बाद तेजा जमीन पर अपना मुक्का मारते हैं और दुश्मन हवा में उड़ जाते हैं। ये सब देखकर गांव वाले हनुमान का जयकारा लगाते हैं। फिर तेजा बड़ी सी चट्टान अपने हाथों में लिए नजर आते हैं, जिसे देखकर गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। फिर एक घटना घटती है और तेज श्री राम का जयकारा लगाते हुए भगवान हनुमान जितने बलवान नजर आते हैं। ट्रेलर में काफी एक्शन भी देखने को मिला है। ओवरऑल फिल्म का ट्रेलर काफी जबरदस्त है। बैकग्राउंड में संस्कृत श्लोक इसे और भी शानदार बना रहे हैं। तेलुगु सुपर हीरो फिल्म हनुमान में तेजा सज्जा के अलावा विनय राय, अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी शरद कुमार, राज दीपक शेट्टी, विनेला किशोर और कई अन्य कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है। हनुमान काल्पनिक गाँव अंजरदारी पर बेस्ड है। इस फिल्म को प्रशांत वर्मा द्वारा निर्देशित किया गया है। ये फिल्म अपनी पहली किश्त के रूप में एक नया सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने के लिए तैयार है। ये फिल्म अगले साल यानी 12 जनवरी 2024 को संक्रांति के अवसर पर रिलीज होगी। रोंगटे खड़े करने वाले सीन और मंत्र जप से भरा क्लिप। सुपर हीरो के रोल में छा गए तेजा सज्जा। प्रशांत वर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म हनुमान को लेकर कई महीनों से हर तरफ चर्चा थी। इसके टीजर ने लोगों के बीच एक्साइटमेंट पैदा कर दी थी और अब ट्रेलर भी कुछ ऐसा ही कमाल दिखा रहा है। 19 दिसंबर को मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया। लीड रोल में एक्टर तेजा सज्जा गंभीर अवतार में नजर आ रहे हैं। टीजर रिलीज होने से पहले तेलुगु राज्य के बाहर फिल्म के लिए कोई बड़ी चर्चा नहीं थी, लेकिन इसके क्लिप वायरल होने के बाद से ये देश की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनती दिखाई दे रही है। ट्रेलर की शुरुआत हीरो के पानी में गोता लगाने से होती है। वो वहाँ कुछ अजीब सा देखता है। उसके बाद के सीन्स में वो एक सुपर हीरो बनकर दिखाई देता है और उसके पास महाशक्तियाँ होती है। फिर आता है फिल्म का विलेन जो दुनिया पर राज करना चाहता है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए वास्तविक शक्तियों की तलाश में है।
वो अपनी सेना के साथ अंधनंद्री में आता है और वह सब कुछ नष्ट कर देता है। अच्छाई और बुराई की लड़ाई कहानी को और मजबूत बना रही है। भगवान हनुमान का अंतिम सीन श्री राम का जप करता है और फिर बर्फ फोड़ता दिखाई देता है। ये रोंगटे खड़े करने वाला सीन है। प्रशांत वर्मा जो एक टैलेंटेड कहानीकार है, वो अपनी राइटिंग और कहानी से फैंस को अक्सर चौंकाते रहते हैं। ट्रेलर में अंधरंद्री को शानदार दंग से दिखाया गया है। तेज और सज्जा एक दलित आदमी के रोल में है जो बाद में सुपर हीरो बनकर सामने आता है। सुपर विलन के रूप में विनय राय घातक है। देश रधि शिवेंद्र की सिनेमाटोग्राफी भी कमाल की है। कुल मिलाकर इसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने की पूरी कोशिश की गई है। ये इंडियन सुपर हीरो फिल्म प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म है। इसका ट्रेलर काफी इम्प्रेस कर रहा है। जाहिर तौर पर जब ये सिनेमाघरों में उतरेगी तो बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार देखने को मिल सकता है। प्रोड्यूसर के निरंजन रेड्डी की बनाई हनुमान 12 जनवरी को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तेलुगु फिल्म हनुमान का रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर रिलीज। इंडियन सुपर हीरो के अवतार में तेजा सज्जा ने उड़ाए होश। तेजा सज्जा स्टारर तेलुगु सिनेमा की सुपर हीरो फिल्म हनुमान का टीजर रिलीज होने के बाद से ही फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब मेकर्स ने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ाते हुए इस मोस्ट अवेटेड फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज कर दिया है। ट्रेलर बेहद ही दमदार है और इसे देखकर यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसमें पौराणिक कथाओं और कल्पना का मिश्रण दिखाया गया है। ट्रेलर की शुरुआत में तेजा सज्जा समुद्र की अथाह गहराइयों में नजर आते हैं। इसके बाद भगवान हनुमान का वर्णन करते हुए बैकग्राउंड साउंड आती है और फिर गदा लिए हनुमान जी की बड़ी सी प्रतिमा दिखती है और फिर तेजस जंगल में चीते से भी तेज दौड़ते हुए नजर आते हैं। एक के बाद एक ये सीन्स रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। इसके बाद तेजा जमीन पर अपना मुक्का मारते हैं और दुश्मन हवा में उड़ जाते हैं। ये सब देखकर गांव वाले हनुमान का जयकारा लगाते हैं। फिर तेजा बड़ी सी चट्टान अपने हाथों में लिए नजर आते हैं, जिसे देखकर गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। फिर एक घटना घटती है और तेज श्री राम का जयकारा लगाते हुए भगवान हनुमान जितने बलवान नजर आते हैं। ट्रेलर में काफी एक्शन भी देखने को मिला है। ओवरऑल फिल्म का ट्रेलर काफी जबरदस्त है। बैकग्राउंड में संस्कृत श्लोक इसे और भी शानदार बना रहे हैं। तेलुगु सुपर हीरो फिल्म हनुमान में तेजा सज्जा के अलावा विनय राय, अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी शरद कुमार, राज दीपक शेट्टी, विनेला किशोर और कई अन्य कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है। हनुमान काल्पनिक गांव अंजरदारी पर बेस्ड है। इस फिल्म को प्रशांत वर्मा द्वारा निर्देशित किया गया है। ये फिल्म अपनी पहली किश्त के रूप में एक नया सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने के लिए तैयार है। ये फिल्म अगले साल यानी 12 जनवरी 2024 को संक्रांति के अवसर पर रिलीज होगी। रोंगटे खड़े करने वाले सीन और मंत्र जप से भरा क्लिप। सुपर हीरो के रोल में छा गए तेजा सज्जा। प्रशांत वर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म हनुमान को लेकर कई महीनों से हर तरफ चर्चा थी। इसके टीजर ने लोगों के बीच एक्साइटमेंट पैदा कर दी थी और अब ट्रेलर भी कुछ ऐसा ही कमाल दिखा रहा है। 19 दिसंबर को मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया। लीड रोल में एक्टर तेजा सज्जा गंभीर अवतार में नजर आ रहे हैं। टीजर रिलीज होने से पहले तेलुगु राज्य के बाहर फिल्म के लिए कोई बड़ी चर्चा नहीं थी, लेकिन इसके क्लिप वायरल होने के बाद से ये देश की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनती दिखाई दे रही है। ट्रेलर की शुरुआत हीरो के पानी में गोता लगाने से होती है। वो वहाँ कुछ अजीब सा देखता है। उसके बाद के सीन्स में वो एक सुपर हीरो बनकर दिखाई देता है और उसके पास महाशक्तियाँ होती है। फिर आता है फिल्म का विलन जो दुनिया पर राज करना चाहता है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए वास्तविक शक्तियों की तलाश में है। वो अपनी सेना के साथ अंधनंद्री में आता है और वह सब कुछ नष्ट कर देता है। अच्छाई और बुराई की लड़ाई कहानी को और मजबूत बना रही है। भगवान हनुमान का अंतिम सीन श्री राम का जप करता है और फिर बर्फ फोड़ता दिखाई देता है। ये रोंगटे खड़े करने वाला सीन है। प्रशांत वर्मा जो एक टैलेंटेड कहानीकार है, वो अपनी राइटिंग और कहानी से फैंस को अक्सर चौंकाते रहते हैं। ट्रेलर में अंधरंद्री को शानदार दंग से दिखाया गया है। तेज और सज्जा एक दलित आदमी के रोल में है जो बाद में सुपर हीरो बनकर सामने आता है। सुपर विलन के रूप में विनय राय घातक है।
देश रदि शिवेंद्र की सिनेमाटोग्राफी भी कमाल की है। कुल मिलाकर इसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने की पूरी कोशिश की गई है। ये इंडियन सुपरहीरो फिल्म प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म है। इसका ट्रेलर काफी इम्प्रेस कर रहा है। जाहिर तौर पर जब ये सिनेमाघरों में उतरेगी तो बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार देखने को मिल सकता है। प्रोड्यूसर के निरंजन रेड्डी के बनाई हनुमान 12 जनवरी को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तेलुगु फिल्म हनुमान का रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर रिलीज। इंडियन सुपरहीरो के अवतार में तेजा सज्जा ने उड़ाए होश। तेजा सज्जा स्टारर तेलुगु सिनेमा की सुपरहीरो फिल्म हनुमान का टीजर रिलीज होने के बाद से ही फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब मेकर्स ने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ाते हुए इस मोस्ट अवेटेड फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज कर दिया है। ट्रेलर बेहद ही दमदार है और इसे देख कर यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसमें पौराणिक कथाओं और कल्पना का मिश्रण दिखाया गया है। ट्रेलर की शुरुआत में तेजा सज्जा समुद्र की अथाह गहराइयों में नजर आते हैं। इसके बाद भगवान हनुमान का वर्णन करते हुए बैकग्राउंड साउंड आती है और फिर गदा लिए हनुमान जी की बड़ी सी प्रतिमा दिखती है और फिर तेजस जंगल में चीते से भी तेज दौड़ते हुए नजर आते हैं। एक के बाद एक ये सीन्स रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। इसके बाद तेजा जमीन पर अपना मुक्का मारते हैं और दुश्मन हवा में उड़ जाते हैं। ये सब देख कर गाँव वाले हनुमान का जयकारा लगाते हैं। फिर तेजा बड़ी सी चट्टान अपने हाथों में लिए नजर आते हैं, जिसे देख कर गाँव वालों के होश उड़ जाते हैं। फिर एक घटना घटती है और तेज श्री राम का जयकारा लगाते हुए भगवान हनुमान जितने बलवान नजर आते हैं। ट्रेलर में काफी एक्शन भी देखने को मिला है। ओवरऑल फिल्म का ट्रेलर काफी जबरदस्त है। बैकग्राउंड में संस्कृत श्लोक इसे और भी शानदार बना रहे हैं। तेलुगु सुपरहीरो फिल्म हनुमान में तेजा सज्जा के अलावा विनय राय, अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी शरद कुमार, राज दीपक शेट्टी, विनेला किशोर और कई अन्य कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है। हनुमान काल्पनिक गांव अंजरदारी पर बेस्ड है। इस फिल्म को प्रशांत वर्मा द्वारा निर्देशित किया गया है। ये फिल्म अपनी पहली किश्त के रूप में एक नया सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने के लिए तैयार है। ये फिल्म अगले साल यानी 12 जनवरी 2024 को संक्रांति के अवसर पर रिलीज होगी। रोंगटे खड़े करने वाले सीन और मंत्र जप से भरा क्लिप। सुपर हीरो के रोल में छा गए तेजा सज्जा। प्रशांत वर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म हनुमान को लेकर कई महीनों से हर तरफ चर्चा थी। इसके टीजर ने लोगों के बीच एक्साइटमेंट पैदा कर दी थी और अब ट्रेलर भी कुछ ऐसा ही कमाल दिखा रहा है। 19 दिसंबर को मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया। लीड रोल में एक्टर तेजा सज्जा गंभीर रफ्तार में नजर आ रहे हैं। टीजर रिलीज होने से पहले तेलुगु राज्य के बाहर फिल्म के लिए कोई बड़ी चर्चा नहीं थी, लेकिन इसके क्लिप वायरल होने के बाद से ये देश की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनती दिखाई दे रही है। ट्रेलर की शुरुआत हीरो के पानी में गोता लगाने से होती है। वो वहाँ कुछ अजीब सा देखता है। उसके बाद के सीन्स में वो एक सुपर हीरो बनकर दिखाई देता है और उसके पास महाशक्तियाँ होती है। फिर आता है फिल्म का विलेन जो दुनिया पर राज करना चाहता है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए वास्तविक शक्तियों की तलाश में है। वो अपनी सेना के साथ अंधनंद्री में आता है और वह सब कुछ नष्ट कर देता है। अच्छाई और बुराई की लड़ाई कहानी को और मजबूत बना रही है। भगवान हनुमान का अंतिम सीन श्री राम का जप करता है और फिर बर्फ फोड़ता दिखाई देता है। ये रोंगटे खड़े करने वाला सीन है। प्रशांत वर्मा जो एक टैलेंटेड कहानीकार है, वो अपनी राइटिंग और कहानी से फैंस को अक्सर चौंकाते रहते हैं। ट्रेलर में अंधरंद्री को शानदार दम से दिखाया गया है। तेजस सज्जा एक दलित आदमी के रोल में है जो बाद में सुपर हीरो बनकर सामने आता है। सुपर विलन के रूप में विनय राय घातक है। देश रदि शिवेंद्र की सिनेमाटोग्राफी भी कमाल की है। कुल मिलाकर इसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने की पूरी कोशिश की गई है। ये इंडियन सुपरहीरो फिल्म प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म है। इसका ट्रेलर काफी इम्प्रेस कर रहा है। जाहिर तौर पर जब ये सिनेमाघरों में उतरेगी तो बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार देखने को मिल सकता है। प्रोड्यूसर के निरंजन रेड्डी के बनाई हनुमान 12 जनवरी को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तेलुगु फिल्म हनुमान का रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर रिलीज।
इंडियन सुपर हीरो के अवतार में तेजस सज्जा ने उड़ाए होश। तेजस सज्जा स्टारर तेलुगु सिनेमा की सुपर हीरो फिल्म हनुमान का टीजर रिलीज होने के बाद से ही फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब मेकर्स ने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ाते हुए इस मोस्ट अवेटेड फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज कर दिया है। ट्रेलर बेहद ही दमदार है और इसे देख कर यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसमें पौराणिक कथाओं और कल्पना का मिश्रण दिखाया गया है। ट्रेलर की शुरुआत में तेजस सज्जा समुद्र की अथाह गहराइयों में नजर आते हैं। इसके बाद भगवान हनुमान का वर्णन करते हुए बैकग्राउंड साउंड आती है और फिर गदा लिए हनुमान जी की बड़ी सी प्रतिमा दिखती है और फिर तेजस जंगल में चीते से भी तेज दौड़ते हुए नजर आते हैं। एक के बाद एक ये सीन्स रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। इसके बाद तेजस जमीन पर अपना मुक्का मारते हैं और दुश्मन हवा में उड़ जाते हैं। ये सब देखकर गांव वाले हनुमान का जयकारा लगाते हैं। फिर तेजस बड़ी सी चट्टान अपने हाथों में लिए नजर आते हैं, जिसे देखकर गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। फिर एक घटना घटती है और तेजस श्री राम का जयकारा लगाते हुए भगवान हनुमान जितने बलवान नजर आते हैं। ट्रेलर में काफी एक्शन भी देखने को मिला है। ओवरऑल फिल्म का ट्रेलर काफी जबरदस्त है। बैकग्राउंड में संस्कृत श्लोक इसे और भी शानदार बना रहे हैं। तेलुगु सुपर हीरो फिल्म हनुमान में तेजस सज्जा के अलावा विनय राय, अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी शरद कुमार, राज दीपक शेट्टी, विनेला किशोर और कई अन्य कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है। हनुमान काल्पनिक गांव अंजरदारी पर बेस्ड है। इस फिल्म को प्रशांत वर्मा द्वारा निर्देशित किया गया है। ये फिल्म अपनी पहली किश्त के रूप में एक नया सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने के लिए तैयार है। ये फिल्म अगले साल यानी 12 जनवरी 2024 को संक्रांति के अवसर पर रिलीज होगी। रोंगटे खड़े करने वाले सीन और मंत्र जप से भरा क्लिप, सुपर हीरो के रोल में छा गए तेजस सज्जा। प्रशांत वर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म हनुमान को लेकर कई महीनों से हर तरफ चर्चा थी। इसके टीजर ने लोगों के बीच एक्साइटमेंट पैदा कर दी थी और अब ट्रेलर भी कुछ ऐसा ही कमाल दिखा रहा है। 19 दिसंबर को मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया। लीड रोल में एक्टर तेजस सज्जा गंभीर अवतार में नजर आ रहे हैं। टीजर रिलीज होने से पहले तेलुगु राज्य के बाहर फिल्म के लिए कोई बड़ी चर्चा नहीं थी, लेकिन इसके क्लिप वायरल होने के बाद से ये देश की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनती दिखाई दे रही है। ट्रेलर की शुरुआत हीरो के पानी में गोता लगाने से होती है। वो वहाँ कुछ अजीब सा देखता है। उसके बाद के सीन्स में वो एक सुपर हीरो बनकर दिखाई देता है और उसके पास महाशक्तियाँ होती है। फिर आता है फिल्म का विलन, जो दुनिया पर राज करना चाहता है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए वास्तविक शक्तियों की तलाश में है। वो अपनी सेना के साथ अंधनंद्री में आता है और वह सब कुछ नष्ट कर देता है। अच्छाई और बुराई की लड़ाई कहानी को और मजबूत बना रही है। भगवान हनुमान का अंतिम सीन श्री राम का जप करता है और फिर बर्फ फोड़ता दिखाई देता है। ये रोंगटे खड़े करने वाला सीन है। प्रशांत वर्मा, जो एक टैलेंटेड कहानीकार है, वो अपनी राइटिंग और कहानी से फैंस को अक्सर चौंकाते रहते हैं। ट्रेलर में अंधरंद्री को शानदार दंग से दिखाया गया है। तेजस सज्जा एक दलित आदमी के रोल में है, जो बाद में सुपर हीरो बनकर सामने आता है। सुपर विलन के रूप में विनय राय घातक है। देशरथि शिवेंद्र की सिनेमाटोग्राफी भी कमाल की है। कुल मिलाकर इसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने की पूरी कोशिश की गई है। ये इंडियन सुपर हीरो फिल्म प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म है। इसका ट्रेलर काफी इंप्रेस कर रहा है। जाहिर तौर पर जब ये सिनेमाघरों में उतरेगी तो बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार देखने को मिल सकता है। प्रोड्यूसर के निरंजन रेड्डी की बनाई हनुमान 12 जनवरी को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तेलुगु फिल्म हनुमान का रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर रिलीज। इंडियन सुपर हीरो के अवतार में तेजस सज्जा ने उड़ाए होश। तेजस सज्जा स्टारर तेलुगु सिनेमा की सुपर हीरो फिल्म हनुमान का टीजर रिलीज होने के बाद से ही फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब मेकर्स ने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ाते हुए इस मोस्ट अवेटेड फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज कर दिया है। ट्रेलर बेहद ही दमदार है और इसे देखकर यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसमें पौराणिक कथाओं और कल्पना का मिश्रण दिखाया गया है। ट्रेलर की शुरुआत में तेजस सज्जा समुद्र की अथाह गहराइयों में नजर आते हैं। इसके बाद भगवान हनुमान का वर्णन करते हुए बैकग्राउंड साउंड आती है और फिर
गदा लिए हनुमान जी की बड़ी सी प्रतिमा दिखती है और फिर तेजस जंगल में चीते से भी तेज दौड़ते हुए नजर आते हैं। एक के बाद एक ये सीन्स रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। इसके बाद तेजा जमीन पर अपना मुक्का मारते हैं और दुश्मन हवा में उड़ जाते हैं। ये सब देखकर गांव वाले हनुमान का जयकारा लगाते हैं। फिर तेजा बड़ी सी चट्टान अपने हाथों में लिए नजर आते हैं, जिसे देखकर गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। फिर एक घटना घटती है और तेज श्री राम का जयकारा लगाते हुए भगवान हनुमान जितने बलवान नजर आते हैं। ट्रेलर में काफी एक्शन भी देखने को मिला है। ओवरऑल फिल्म का ट्रेलर काफी जबरदस्त है। बैकग्राउंड में संस्कृत श्लोक इसे और भी शानदार बना रहे हैं। तेलुगु सुपर हीरो फिल्म हनुमान में तेजा सजा के अलावा विनय राय, अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी शरद कुमार, राज दीपक शेट्टी, विनेला किशोर और कई अन्य कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है। हनुमान काल्पनिक गाँव अंजरदारी पर बेस्ड है। इस फिल्म को प्रशांत वर्मा द्वारा निर्देशित किया गया है। ये फिल्म अपनी पहली किश्त के रूप में एक नया सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने के लिए तैयार है। ये फिल्म अगले साल यानी 12 जनवरी 2024 को संक्रांति के अवसर पर रिलीज होगी। रोंगटे खड़े करने वाले सीन और मंत्र जप से भरा क्लिप, सुपर हीरो के रोल में छा गए तेजा सज्जा। प्रशांत वर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म हनुमान को लेकर कई महीनों से हर तरफ चर्चा थी। इसके टीजर ने लोगों के बीच एक्साइटमेंट पैदा कर दी थी और अब ट्रेलर भी कुछ ऐसा ही कमाल दिखा रहा है। 19 दिसंबर को मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया। लीड रोल में एक्टर तेजा सज्जा गंभीर रफ्तार में नजर आ रहे हैं। टीजर रिलीज होने से पहले तेलुगु राज्य के बाहर फिल्म के लिए कोई बड़ी चर्चा नहीं थी, लेकिन इसके क्लिप वायरल होने के बाद से ये देश की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनती दिखाई दे रही है। ट्रेलर की शुरुआत हीरो के पानी में गोता लगाने से होती है। वो वहाँ कुछ अजीब सा देखता है। उसके बाद के सीन्स में वो एक सुपर हीरो बनकर दिखाई देता है और उसके पास महाशक्तियाँ होती है। फिर आता है फिल्म का विलेन जो दुनिया पर राज करना चाहता है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए वास्तविक शक्तियों की तलाश में है। वो अपनी सेना के साथ अंधनंद्री में आता है और वह सब कुछ नष्ट कर देता है। अच्छाई और बुराई की लड़ाई कहानी को और मजबूत बना रही है। भगवान हनुमान का अंतिम सीन श्री राम का जप करता है और फिर बर्फ फोड़ता दिखाई देता है। ये रोंगटे खड़े करने वाला सीन है। प्रशांत वर्मा जो एक टैलेंटेड कहानीकार है, वो अपनी राइटिंग और कहानी से फैंस को अक्सर चौंकाते रहते हैं। ट्रेलर में अंधरंद्री को शानदार दंग से दिखाया गया है। तेजस सज्जा एक दलित आदमी के रोल में है जो बाद में सुपर हीरो बनकर सामने आता है। सुपर विलन के रूप में विनय राय घातक है। देशरथि शिवेंद्र की सिनेमाटोग्राफी भी कमाल की है। कुल मिलाकर इसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने की पूरी कोशिश की गई है। ये इंडियन सुपर हीरो फिल्म प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म है। इसका ट्रेलर काफी इम्प्रेस कर रहा है। जाहिर तौर पर जब ये सिनेमाघरों में उतरेगी तो बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार देखने को मिल सकता है। प्रोड्यूसर के निरंजन रेड्डी के बनाई हनुमान 12 जनवरी को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तेलुगु फिल्म हनुमान का रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर रिलीज। इंडियन सुपर हीरो के अवतार में तेजा सज्जा ने उड़ाए होश। तेजा सज्जा स्टारर तेलुगु सिनेमा की सुपर हीरो फिल्म हनुमान का टीजर रिलीज होने के बाद से ही फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब मेकर्स ने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ाते हुए इस मोस्ट अवेटेड फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज कर दिया है। ट्रेलर बेहद ही दमदार है और इसे देखकर यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसमें पौराणिक कथाओं और कल्पना का मिश्रण दिखाया गया है। ट्रेलर की शुरुआत में तेजा सज्जा समुद्र की अथाह गहराइयों में नजर आते हैं। इसके बाद भगवान हनुमान का वर्णन करते हुए बैकग्राउंड साउंड आती है और फिर गदा लिए हनुमान जी की बड़ी सी प्रतिमा दिखती है और फिर तेजस जंगल में चीते से भी तेज दौड़ते हुए नजर आते हैं। एक के बाद एक ये सीन्स रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। इसके बाद तेजा जमीन पर अपना मुक्का मारते हैं और दुश्मन हवा में उड़ जाते हैं। ये सब देखकर गांव वाले हनुमान का जयकारा लगाते हैं। फिर तेजा बड़ी सी चट्टान अपने हाथों में लिए नजर आते हैं, जिसे देखकर गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। फिर एक घटना घटती है और तेज श्री राम का जयकारा लगाते हुए भगवान हनुमान
जितने बलवान नजर आते हैं। ट्रेलर में काफी एक्शन भी देखने को मिला है। ओवरऑल फिल्म का ट्रेलर काफी जबरदस्त है। बैकग्राउंड में संस्कृत श्लोक इसे और भी शानदार बना रहे हैं। तेलुगु सुपर हीरो फिल्म हनुमान में तेजा सजा के अलावा विनय राय, अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी, शरद कुमार, राज, दीपक शेट्टी, विनेला किशोर और कई अन्य कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है। हनुमान काल्पनिक गांव अंजरदारी पर बेस्ड है। इस फिल्म को प्रशांत वर्मा द्वारा निर्देशित किया गया है। ये फिल्म अपनी पहली किश्त के रूप में एक नया सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने के लिए तैयार है। ये फिल्म अगले साल यानी 12 जनवरी 2024 को संक्रांति के अवसर पर रिलीज होगी। रोंगटे खड़े करने वाले सीन और मंत्र जप से भरा क्लिप, सुपर हीरो के रोल में छा गए तेजा सज्जा। प्रशांत वर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म हनुमान को लेकर कई महीनों से हर तरफ चर्चा थी। इसके टीजर ने लोगों के बीच एक्साइटमेंट पैदा कर दी थी और अब ट्रेलर भी कुछ ऐसा ही कमाल दिखा रहा है। 19 दिसंबर को मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया। लीड रोल में एक्टर तेजा सज्जा गंभीर अवतार में नजर आ रहे हैं। टीजर रिलीज होने से पहले तेलुगु राज्य के बाहर फिल्म के लिए कोई बड़ी चर्चा नहीं थी, लेकिन इसके क्लिप वायरल होने के बाद से ये देश की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनती दिखाई दे रही है। ट्रेलर की शुरुआत हीरो के पानी में गोता लगाने से होती है। वो वहाँ कुछ अजीब सा देखता है। उसके बाद के सीन्स में वो एक सुपर हीरो बनकर दिखाई देता है और उसके पास महाशक्तियाँ होती है। फिर आता है फिल्म का विलेन, जो दुनिया पर राज करना चाहता है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए वास्तविक शक्तियों की तलाश में है। वो अपनी सेना के साथ अंधनंद्री में आता है और वह सब कुछ नष्ट कर देता है। अच्छाई और बुराई की लड़ाई कहानी को और मजबूत बना रही है। भगवान हनुमान का अंतिम सीन श्री राम का जप करता है और फिर बर्फ फोड़ता दिखाई देता है। ये रोंगटे खड़े करने वाला सीन है। प्रशांत वर्मा, जो एक टैलेंटेड कहानीकार है, वो अपनी राइटिंग और कहानी से फैंस को अक्सर चौंकाते रहते हैं। ट्रेलर में अंधरंद्री को शानदार ढंग से दिखाया गया है। तेजा सज्जा एक दलित आदमी के रोल में है जो बाद में सुपर हीरो बनकर सामने आता है। सुपर विलन के रूप में विनय राय घातक है। देशरथी शिवेंद्र की सिनेमाटोग्राफी भी कमाल की है। कुल मिलाकर इसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने की पूरी कोशिश की गई है। ये इंडियन सुपर हीरो फिल्म प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म है। इसका ट्रेलर काफी इम्प्रेस कर रहा है। जाहिर तौर पर जब ये सिनेमाघरों में उतरेगी तो बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार देखने को मिल सकता है। प्रोड्यूसर के निरंजन रेड्डी की बनाई हनुमान 12 जनवरी को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तेलुगु फिल्म हनुमान का रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर रिलीज। इंडियन सुपर हीरो के अवतार में तेजा सज्जा ने उड़ाए होश। तेजा सज्जा स्टारर तेलुगु सिनेमा की सुपर हीरो फिल्म हनुमान का टीजर रिलीज होने के बाद से ही फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब मेकर्स ने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ाते हुए इस मोस्ट अवेटेड फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज कर दिया है। ट्रेलर बेहद ही दमदार है और इसे देखकर यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसमें पौराणिक कथाओं और कल्पना का मिश्रण दिखाया गया है। ट्रेलर की शुरुआत में तेजा सज्जा समुद्र की अथाह गहराइयों में नजर आते हैं। इसके बाद भगवान हनुमान का वर्णन करते हुए बैकग्राउंड साउंड आती है और फिर गदा लिए हनुमान जी की बड़ी सी प्रतिमा दिखती है और फिर तेजस जंगल में चीते से भी तेज दौड़ते हुए नजर आते हैं। एक के बाद एक ये सीन्स रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। इसके बाद तेजा जमीन पर अपना मुक्का मारते हैं और दुश्मन हवा में उड़ जाते हैं। ये सब देखकर गांव वाले हनुमान का जयकारा लगाते हैं। फिर तेजा बड़ी सी चट्टान अपने हाथों में लिए नजर आते हैं, जिसे देखकर गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। फिर एक घटना घटती है और तेज श्री राम का जयकारा लगाते हुए भगवान हनुमान जितने बलवान नजर आते हैं। ट्रेलर में काफी एक्शन भी देखने को मिला है। ओवरऑल फिल्म का ट्रेलर काफी जबरदस्त है। बैकग्राउंड में संस्कृत श्लोक इसे और भी शानदार बना रहे हैं। तेलुगु सुपर हीरो फिल्म हनुमान में तेजा सज्जा के अलावा विनय राय, अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी, शरद कुमार, राज, दीपक शेट्टी, विनेला किशोर और कई अन्य कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है। हनुमान काल्पनिक गांव अंजरदारी पर बेस्ड है। इस फिल्म को प्रशांत वर्मा द्वारा निर्देशित किया गया है। ये फिल्म अपनी पहली किश्त के रूप में एक नया सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने के लिए तैयार है।
ये फिल्म अगले साल यानी 12 जनवरी 2024 को संक्रांति के अवसर पर रिलीज होगी। रोंगटे खड़े करने वाले सीन और मंत्र जप से भरा क्लिप, सुपरहीरो के रोल में छा गए तेजस सज्जा। प्रशांत वर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म हनुमान को लेकर कई महीनों से हर तरफ चर्चा थी। इसके टीजर ने लोगों के बीच एक्साइटमेंट पैदा कर दी थी और अब ट्रेलर भी कुछ ऐसा ही कमाल दिखा रहा है। 19 दिसंबर को मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया। लीड रोल में एक्टर तेजस सज्जा गंभीर अवतार में नजर आ रहे हैं। टीजर रिलीज होने से पहले तेलुगु राज्य के बाहर फिल्म के लिए कोई बड़ी चर्चा नहीं थी, लेकिन इसके क्लिप वायरल होने के बाद से ये देश की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनती दिखाई दे रही है। ट्रेलर की शुरुआत हीरो के पानी में गोता लगाने से होती है। वो वहाँ कुछ अजीब सा देखता है। उसके बाद के सीन्स में वो एक सुपर हीरो बनकर दिखाई देता है और उसके पास महाशक्तियाँ होती है। फिर आता है फिल्म का विलेन जो दुनिया पर राज करना चाहता है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए वास्तविक शक्तियों की तलाश में है। वो अपनी सेना के साथ अंधनंद्री में आता है और वह सब कुछ नष्ट कर देता है। अच्छाई और बुराई की लड़ाई कहानी को और मजबूत बना रही है। भगवान हनुमान का अंतिम सीन श्री राम का जप करता है और फिर बर्फ फोड़ता दिखाई देता है। ये रोंगटे खड़े करने वाला सीन है। प्रशांत वर्मा जो एक टैलेंटेड कहानीकार है, वो अपनी राइटिंग और कहानी से फैंस को अक्सर चौंकाते रहते हैं। ट्रेलर में अंधरंद्री को शानदार दंग से दिखाया गया है। तेजस सज्जा एक दलित आदमी के रोल में है जो बाद में सुपर हीरो बनकर सामने आता है। सुपर विलन के रूप में विनय राय घातक है। देश रधि शिवेंद्र की सिनेमाटोग्राफी भी कमाल की है। कुल मिलाकर इसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने की पूरी कोशिश की गई है। ये इंडियन सुपर हीरो फिल्म प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म है। इसका ट्रेलर काफी इम्प्रेस कर रहा है। जाहिर तौर पर जब ये सिनेमाघरों में उतरेगी तो बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार देखने को मिल सकता है। प्रोड्यूसर के निरंजन रेड्डी के बनाई हनुमान 12 जनवरी को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तेलुगु फिल्म हनुमान का रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर रिलीज। इंडियन सुपर हीरो के अवतार में तेजस सज्जा ने उड़ाए होश। तेजस सज्जा स्टारर तेलुगु सिनेमा की सुपर हीरो फिल्म हनुमान का टीजर रिलीज होने के बाद से ही फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब मेकर्स ने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ाते हुए इस मोस्ट अवेटेड फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज कर दिया है। ट्रेलर बेहद ही दमदार है और इसे देखकर यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसमें पौराणिक कथाओं और कल्पना का मिश्रण दिखाया गया है। ट्रेलर की शुरुआत में तेजस सज्जा समुद्र की अथाह गहराइयों में नजर आते हैं। इसके बाद भगवान हनुमान का वर्णन करते हुए बैकग्राउंड साउंड आती है और फिर गदा लिए हनुमान जी की बड़ी सी प्रतिमा दिखती है और फिर तेजस जंगल में चीते से भी तेज दौड़ते हुए नजर आते हैं। एक के बाद एक ये सीन्स रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। इसके बाद तेजा जमीन पर अपना मुक्का मारते हैं और दुश्मन हवा में उड़ जाते हैं। ये सब देखकर गांव वाले हनुमान का जयकारा लगाते हैं। फिर तेजा बड़ी सी चट्टान अपने हाथों में लिए नजर आते हैं, जिसे देखकर गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। फिर एक घटना घटती है और तेज श्री राम का जयकारा लगाते हुए भगवान हनुमान जितने बलवान नजर आते हैं। ट्रेलर में काफी एक्शन भी देखने को मिला है। ओवरऑल फिल्म का ट्रेलर काफी जबरदस्त है। बैकग्राउंड में संस्कृत श्लोक इसे और भी शानदार बना रहे हैं। तेलुगु सुपर हीरो फिल्म हनुमान में तेजस सज्जा के अलावा विनय राय, अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी शरद कुमार, राज दीपक शेट्टी, विनेला किशोर और कई अन्य कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है। हनुमान काल्पनिक गाँव अंजरदारी पर बेस्ड है। इस फिल्म को प्रशांत वर्मा द्वारा निर्देशित किया गया है। ये फिल्म अपनी पहली किश्त के रूप में एक नया सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने के लिए तैयार है। ये फिल्म अगले साल यानी 12 जनवरी 2024 को संक्रांति के अवसर पर रिलीज होगी। रोंगटे खड़े करने वाले सीन और मंत्र जप से भरा क्लिप, सुपर हीरो के रोल में छा गए तेजस सज्जा। प्रशांत वर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म हनुमान को लेकर कई महीनों से हर तरफ चर्चा थी। इसके टीजर ने लोगों के बीच एक्साइटमेंट पैदा कर दी थी और अब ट्रेलर भी कुछ ऐसा ही कमाल दिखा रहा है। 19 दिसंबर को मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया। लीड रोल में एक्टर तेजस सज्जा गंभीर अवतार में नजर आ रहे हैं।
टीजर रिलीज होने से पहले तेलुगु राज्य के बाहर फिल्म के लिए कोई बड़ी चर्चा नहीं थी, लेकिन इसके क्लिप वायरल होने के बाद से ये देश की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनती दिखाई दे रही है। ट्रेलर की शुरुआत हीरो के पानी में गोता लगाने से होती है, वो वहाँ कुछ अजीब सा देखता है। उसके बाद के सीन्स में वो एक सुपर हीरो बनकर दिखाई देता है और उसके पास महाशक्तियाँ होती है। फिर आता है फिल्म का विलेन जो दुनिया पर राज करना चाहता है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए वास्तविक शक्तियों की तलाश में है। वो अपनी सेना के साथ अंधनंद्री में आता है और वह सब कुछ नष्ट कर देता है। अच्छाई और बुराई की लड़ाई कहानी को और मजबूत बना रही है। भगवान हनुमान का अंतिम सीन श्री राम का जप करता है और फिर बर्फ फोड़ता दिखाई देता है। ये रोंगटे खड़े करने वाला सीन है। प्रशांत वर्मा जो एक टैलेंटेड कहानीकार है, वो अपनी राइटिंग और कहानी से फैंस को अक्सर चौंकाते रहते हैं। ट्रेलर में अंधरंद्री को शानदार ढंग से दिखाया गया है। तेजस सज्जा एक दलित आदमी के रोल में है जो बाद में सुपर हीरो बनकर सामने आता है। सुपर विलन के रूप में विनय राय घातक है। देशरथी शिवेंद्र की सिनेमाटोग्राफी भी कमाल की है। कुल मिलाकर इसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने की पूरी कोशिश की गई है। ये इंडियन सुपर हीरो फिल्म प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म है। इसका ट्रेलर काफी इम्प्रेस कर रहा है। जाहिर तौर पर जब ये सिनेमाघरों में उतरेगी तो बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार देखने को मिल सकता है। प्रोड्यूसर के निरंजन रेड्डी के बनाई हनुमान 12 जनवरी को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तेलुगु फिल्म हनुमान का रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर रिलीज। इंडियन सुपर हीरो के अवतार में तेजा सज्जा ने उड़ाए होश। तेजा सज्जा स्टारर तेलुगु सिनेमा की सुपर हीरो फिल्म हनुमान का टीजर रिलीज होने के बाद से ही फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब मेकर्स ने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ाते हुए इस मोस्ट अवेटेड फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज कर दिया है। ट्रेलर बेहद ही दमदार है और इसे देखकर यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसमें पौराणिक कथाओं और कल्पना का मिश्रण दिखाया गया है। ट्रेलर की शुरुआत में तेजा सज्जा समुद्र की अथाह गहराइयों में नजर आते हैं। इसके बाद भगवान हनुमान का वर्णन करते हुए बैकग्राउंड साउंड आती है और फिर गदा लिए हनुमान जी की बड़ी सी प्रतिमा दिखती है और फिर तेजस जंगल में चीते से भी तेज दौड़ते हुए नजर आते हैं। एक के बाद एक ये सीन्स रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। इसके बाद तेजा जमीन पर अपना मुक्का मारते हैं और दुश्मन हवा में उड़ जाते हैं। ये सब देखकर गांव वाले हनुमान का जयकारा लगाते हैं। फिर तेजा बड़ी सी चट्टान अपने हाथों में लिए नजर आते हैं, जिसे देखकर गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। फिर एक घटना घटती है और तेज श्री राम का जयकारा लगाते हुए भगवान हनुमान जितने बलवान नजर आते हैं। ट्रेलर में काफी एक्शन भी देखने को मिला है। ओवरऑल फिल्म का ट्रेलर काफी जबरदस्त है। बैकग्राउंड में संस्कृत श्लोक इसे और भी शानदार बना रहे हैं। तेलुगु सुपर हीरो फिल्म हनुमान में तेजा सज्जा के अलावा विनय राय, अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी शरद कुमार, राज दीपक शेट्टी, विनेला किशोर और कई अन्य कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है। हनुमान काल्पनिक गाँव अंजरदारी पर बेस्ड है। इस फिल्म को प्रशांत वर्मा द्वारा निर्देशित किया गया है। ये फिल्म अपनी पहली किश्त के रूप में एक नया सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने के लिए तैयार है। ये फिल्म अगले साल यानी 12 जनवरी 2024 को संक्रांति के अवसर पर रिलीज होगी। रोंगटे खड़े करने वाले सीन और मंत्र जप से भरा क्लिप। सुपर हीरो के रोल में छा गए तेजा सज्जा। प्रशांत वर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म हनुमान को लेकर कई महीनों से हर तरफ चर्चा थी। इसके टीजर ने लोगों के बीच एक्साइटमेंट पैदा कर दी थी और अब ट्रेलर भी कुछ ऐसा ही कमाल दिखा रहा है। 19 दिसंबर को मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया। लीड रोल में एक्टर तेजा सज्जा गंभीर अवतार में नजर आ रहे हैं। टीजर रिलीज होने से पहले तेलुगु राज्य के बाहर फिल्म के लिए कोई बड़ी चर्चा नहीं थी, लेकिन इसके क्लिप वायरल होने के बाद से ये देश की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनती दिखाई दे रही है। ट्रेलर की शुरुआत हीरो के पानी में गोता लगाने से होती है, वो वहाँ कुछ अजीब सा देखता है। उसके बाद के सीन्स में वो एक सुपर हीरो बनकर दिखाई देता है और उसके पास महाशक्तियाँ होती है। फिर आता है फिल्म का विलेन जो दुनिया पर राज करना चाहता है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए वास्तविक शक्तियों की तलाश में है। वो अपनी सेना के साथ
अंधनंद्री में आता है और वह सब कुछ नष्ट कर देता है। अच्छाई और बुराई की लड़ाई कहानी को और मजबूत बना रही है। भगवान हनुमान का अंतिम सीन श्री राम का जप करता है और फिर बर्फ फोड़ता दिखाई देता है। ये रोंगटे खड़े करने वाला सीन है। प्रशांत वर्मा जो एक टैलेंटेड कहानीकार है, वो अपनी राइटिंग और कहानी से फैंस को अक्सर चौंकाते रहते हैं। ट्रेलर में अंधरंद्री को शानदार दंग से दिखाया गया है। तेज और सज्जा एक दलित आदमी के रोल में है जो बाद में सुपर हीरो बनकर सामने आता है। सुपर विलन के रूप में विनय राय घातक है। देश रधि शिवेंद्र की सिनेमाटोग्राफी भी कमाल की है। कुल मिलाकर इसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने की पूरी कोशिश की गई है। ये इंडियन सुपर हीरो फिल्म प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म है। इसका ट्रेलर काफी इम्प्रेस कर रहा है। जाहिर तौर पर जब ये सिनेमाघरों में उतरेगी तो बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार देखने को मिल सकता है। प्रोड्यूसर के निरंजन रेड्डी की बनाई हनुमान 12 जनवरी को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तेलुगु फिल्म हनुमान का रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर रिलीज। इंडियन सुपर हीरो के अवतार में तेजा सज्जा ने उड़ाए होश। तेजा सज्जा स्टारर तेलुगु सिनेमा की सुपर हीरो फिल्म हनुमान का टीजर रिलीज होने के बाद से ही फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब मेकर्स ने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ाते हुए इस मोस्ट अवेटेड फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज कर दिया है। ट्रेलर बेहद ही दमदार है और इसे देख कर यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसमें पौराणिक कथाओं और कल्पना का मिश्रण दिखाया गया है। ट्रेलर की शुरुआत में तेजा सज्जा समुद्र की अथाह गहराइयों में नजर आते हैं। इसके बाद भगवान हनुमान का वर्णन करते हुए बैकग्राउंड साउंड आती है और फिर गदा लिए हनुमान जी की बड़ी सी प्रतिमा दिखती है और फिर तेजस जंगल में चीते से भी तेज दौड़ते हुए नजर आते हैं। एक के बाद एक ये सीन्स रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। इसके बाद तेजा जमीन पर अपना मुक्का मारते हैं और दुश्मन हवा में उड़ जाते हैं। ये सब देख कर गांव वाले हनुमान का जयकारा लगाते हैं। फिर तेजा बड़ी सी चट्टान अपने हाथों में लिए नजर आते हैं, जिसे देख कर गाँव वालों के होश उड़ जाते हैं। फिर एक घटना घटती है और तेज श्री राम का जयकारा लगाते हुए भगवान हनुमान जितने बलवान नजर आते हैं। ट्रेलर में काफी एक्शन भी देखने को मिला है। ओवरऑल फिल्म का ट्रेलर काफी जबरदस्त है। बैकग्राउंड में संस्कृत श्लोक इसे और भी शानदार बना रहे हैं। तेलुगु सुपर हीरो फिल्म हनुमान में तेजा सज्जा के अलावा विनय राय, अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी शरद कुमार, राज दीपक शेट्टी, विनेला किशोर और कई अन्य कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है। हनुमान काल्पनिक गांव अंजरदारी पर बेस्ड है। इस फिल्म को प्रशांत वर्मा द्वारा निर्देशित किया गया है। ये फिल्म अपनी पहली किश्त के रूप में एक नया सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने के लिए तैयार है। ये फिल्म अगले साल यानी 12 जनवरी 2024 को संक्रांति के अवसर पर रिलीज होगी। रोंगटे खड़े करने वाले सीन और मंत्र जप से भरा क्लिप। सुपर हीरो के रोल में छा गए तेजा सज्जा। प्रशांत वर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म हनुमान को लेकर कई महीनों से हर तरफ चर्चा थी। इसके टीजर ने लोगों के बीच एक्साइटमेंट पैदा कर दी थी और अब ट्रेलर भी कुछ ऐसा ही कमाल दिखा रहा है। 19 दिसंबर को मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया। लीड रोल में एक्टर तेजा सज्जा गंभीर रफ्तार में नजर आ रहे हैं। टीजर रिलीज होने से पहले तेलुगु राज्य के बाहर फिल्म के लिए कोई बड़ी चर्चा नहीं थी, लेकिन इसके क्लिप वायरल होने के बाद से ये देश की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनती दिखाई दे रही है। ट्रेलर की शुरुआत हीरो के पानी में गोता लगाने से होती है। वो वहाँ कुछ अजीब सा देखता है। उसके बाद के सीन्स में वो एक सुपर हीरो बनकर दिखाई देता है और उसके पास महाशक्तियाँ होती है। फिर आता है फिल्म का विलन जो दुनिया पर राज करना चाहता है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए वास्तविक शक्तियों की तलाश में है। वो अपनी सेना के साथ अंधनंद्री में आता है और वह सब कुछ नष्ट कर देता है। अच्छाई और बुराई की लड़ाई कहानी को और मजबूत बना रही है। भगवान हनुमान का अंतिम सीन श्री राम का जप करता है और फिर बर्फ फोड़ता दिखाई देता है। ये रोंगटे खड़े करने वाला सीन है। प्रशांत वर्मा जो एक टैलेंटेड कहानीकार है, वो अपनी राइटिंग और कहानी से फैंस को अक्सर चौंकाते रहते हैं। ट्रेलर में अंधरंद्री को शानदार दंग से दिखाया गया है। तेज और सज्जा एक दलित आदमी के रोल में है जो बाद में सुपर हीरो बनकर सामने आता है। सुपर विलन के रूप में विनय राय घातक है।
देश रधि शिवेंद्र की सिनेमाटोग्राफी भी कमाल की है। कुल मिलाकर इसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने की पूरी कोशिश की गई है। ये इंडियन सुपर हीरो फिल्म प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म है। इसका ट्रेलर काफी इम्प्रेस कर रहा है। जाहिर तौर पर जब ये सिनेमाघरों में उतरेगी तो बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार देखने को मिल सकता है। प्रोड्यूसर के निरंजन रेड्डी के बनाई हनुमान 12 जनवरी को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तेलुगु फिल्म हनुमान का रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर रिलीज। इंडियन सुपर हीरो के अवतार में तेजा सज्जा ने उड़ाए होश। तेजा सज्जा स्टारर तेलुगु सिनेमा की सुपर हीरो फिल्म हनुमान का टीजर रिलीज होने के बाद से ही फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब मेकर्स ने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ाते हुए इस मोस्ट अवेटेड फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज कर दिया है। ट्रेलर बेहद ही दमदार है और इसे देख कर यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसमें पौराणिक कथाओं और कल्पना का मिश्रण दिखाया गया है। ट्रेलर की शुरुआत में तेजा सज्जा समुद्र की अथाह गहराइयों में नजर आते हैं। इसके बाद भगवान हनुमान का वर्णन करते हुए बैकग्राउंड साउंड आती है और फिर गदा लिए हनुमान जी की बड़ी सी प्रतिमा दिखती है और फिर तेजस जंगल में चीते से भी तेज दौड़ते हुए नजर आते हैं। एक के बाद एक ये सीन्स रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। इसके बाद तेजा जमीन पर अपना मुक्का मारते हैं और दुश्मन हवा में उड़ जाते हैं। ये सब देखकर गांव वाले हनुमान का जयकारा लगाते हैं। फिर तेजा बड़ी सी चट्टान अपने हाथों में लिए नजर आते हैं, जिसे देखकर गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। फिर एक घटना घटती है और तेज श्री राम का जयकारा लगाते हुए भगवान हनुमान जितने बलवान नजर आते हैं। ट्रेलर में काफी एक्शन भी देखने को मिला है। ओवरऑल फिल्म का ट्रेलर काफी जबरदस्त है। बैकग्राउंड में संस्कृत श्लोक इसे और भी शानदार बना रहे हैं। तेलुगु सुपर हीरो फिल्म हनुमान में तेजा सज्जा के अलावा विनय राय, अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी, शरद कुमार, राज दीपक शेट्टी, विनेला किशोर और कई अन्य कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है। हनुमान काल्पनिक गांव अंजरदारी पर बेस्ड है। इस फिल्म को प्रशांत वर्मा द्वारा निर्देशित किया गया है। ये फिल्म अपनी पहली किश्त के रूप में एक नया सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने के लिए तैयार है। ये फिल्म अगले साल यानी 12 जनवरी 2024 को संक्रांति के अवसर पर रिलीज होगी। रोंगटे खड़े करने वाले सीन और मंत्र जप से भरा क्लिप। सुपर हीरो के रोल में छा गए तेजा सज्जा। प्रशांत वर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म हनुमान को लेकर कई महीनों से हर तरफ चर्चा थी। इसके टीजर ने लोगों के बीच एक्साइटमेंट पैदा कर दी थी और अब ट्रेलर भी कुछ ऐसा ही कमाल दिखा रहा है। 19 दिसंबर को मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया। लीड रोल में एक्टर तेजा सज्जा गंभीर अवतार में नजर आ रहे हैं। टीजर रिलीज होने से पहले तेलुगु राज्य के बाहर फिल्म के लिए कोई बड़ी चर्चा नहीं थी, लेकिन इसके क्लिप वायरल होने के बाद से ये देश की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनती दिखाई दे रही है। ट्रेलर की शुरुआत हीरो के पानी में गोता लगाने से होती है। वो वहाँ कुछ अजीब सा देखता है। उसके बाद के सीन्स में वो एक सुपर हीरो बनकर दिखाई देता है और उसके पास महाशक्तियाँ होती है। फिर आता है फिल्म का विलेन, जो दुनिया पर राज करना चाहता है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए वास्तविक शक्तियों की तलाश में है। वो अपनी सेना के साथ अंधनंद्री में आता है और वह सब कुछ नष्ट कर देता है। अच्छाई और बुराई की लड़ाई कहानी को और मजबूत बना रही है। भगवान हनुमान का अंतिम सीन श्री राम का जप करता है और फिर बर्फ फोड़ता दिखाई देता है। ये रोंगटे खड़े करने वाला सीन है। प्रशांत वर्मा, जो एक टैलेंटेड कहानीकार है, वो अपनी राइटिंग और कहानी से फैंस को अक्सर चौंकाते रहते हैं। ट्रेलर में अंधरंद्री को शानदार ढंग से दिखाया गया है। तेजस सज्जा एक दलित आदमी के रोल में है, जो बाद में सुपर हीरो बनकर सामने आता है। सुपर विलन के रूप में विनय राय घातक है। देश रधि शिवेंद्र की सिनेमाटोग्राफी भी कमाल की है। कुल मिलाकर इसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने की पूरी कोशिश की गई है। ये इंडियन सुपर हीरो फिल्म प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म है। इसका ट्रेलर काफी इम्प्रेस कर रहा है। जाहिर तौर पर जब ये सिनेमाघरों में उतरेगी तो बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार देखने को मिल सकता है। प्रोड्यूसर के निरंजन रेड्डी की बनाई हनुमान 12 जनवरी को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तेलुगु फिल्म हनुमान का रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर रिलीज।
इंडियन सुपर हीरो के अवतार में तेजा सज्जा ने उड़ाए होश। तेजा सज्जा स्टारर तेलुगु सिनेमा की सुपर हीरो फिल्म हनुमान का टीजर रिलीज होने के बाद से ही फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब मेकर्स ने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ाते हुए इस मोस्ट अवेटेड फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज कर दिया है। ट्रेलर बेहद ही दमदार है और इसे देखकर यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसमें पौराणिक कथाओं और कल्पना का मिश्रण दिखाया गया है। ट्रेलर की शुरुआत में तेजा सज्जा समुद्र की अथाह गहराइयों में नजर आते हैं। इसके बाद भगवान हनुमान का वर्णन करते हुए बैकग्राउंड साउंड आती है और फिर गदा लिए हनुमान जी की बड़ी सी प्रतिमा दिखती है और फिर तेजस जंगल में चीते से भी तेज दौड़ते हुए नजर आते हैं। एक के बाद एक ये सीन्स रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। इसके बाद तेजा जमीन पर अपना मुक्का मारते हैं और दुश्मन हवा में उड़ जाते हैं। ये सब देखकर गांव वाले हनुमान का जयकारा लगाते हैं। फिर तेजा बड़ी सी चट्टान अपने हाथों में लिए नजर आते हैं, जिसे देखकर गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। फिर एक घटना घटती है और तेज श्री राम का जयकारा लगाते हुए भगवान हनुमान जितने बलवान नजर आते हैं। ट्रेलर में काफी एक्शन भी देखने को मिला है। ओवरऑल फिल्म का ट्रेलर काफी जबरदस्त है। बैकग्राउंड में संस्कृत श्लोक इसे और भी शानदार बना रहे हैं। तेलुगु सुपर हीरो फिल्म हनुमान में तेजा सज्जा के अलावा विनय राय, अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी शरद कुमार, राज दीपक शेट्टी, विनेला किशोर और कई अन्य कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है। हनुमान काल्पनिक गांव अंजरदारी पर बेस्ड है। इस फिल्म को प्रशांत वर्मा द्वारा निर्देशित किया गया है। ये फिल्म अपनी पहली किश्त के रूप में एक नया सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने के लिए तैयार है। ये फिल्म अगले साल यानी 12 जनवरी 2024 को संक्रांति के अवसर पर रिलीज होगी। रोंगटे खड़े करने वाले सीन और मंत्र जप से भरा क्लिप, सुपर हीरो के रोल में छा गए तेजा सज्जा। प्रशांत वर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म हनुमान को लेकर कई महीनों से हर तरफ चर्चा थी। इसके टीजर ने लोगों के बीच एक्साइटमेंट पैदा कर दी थी और अब ट्रेलर भी कुछ ऐसा ही कमाल दिखा रहा है। 19 दिसंबर को मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया। लीड रोल में एक्टर तेजा सज्जा गंभीर अवतार में नजर आ रहे हैं। टीजर रिलीज होने से पहले तेलुगु राज्य के बाहर फिल्म के लिए कोई बड़ी चर्चा नहीं थी, लेकिन इसके क्लिप वायरल होने के बाद से ये देश की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनती दिखाई दे रही है। ट्रेलर की शुरुआत हीरो के पानी में गोता लगाने से होती है। वो वहाँ कुछ अजीब सा देखता है। उसके बाद के सीन्स में वो एक सुपर हीरो बनकर दिखाई देता है और उसके पास महाशक्तियाँ होती है। फिर आता है फिल्म का विलेन जो दुनिया पर राज करना चाहता है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए वास्तविक शक्तियों की तलाश में है। वो अपनी सेना के साथ अंधनंद्री में आता है और वह सब कुछ नष्ट कर देता है। अच्छाई और बुराई की लड़ाई कहानी को और मजबूत बना रही है। भगवान हनुमान का अंतिम सीन श्री राम का जप करता है और फिर बर्फ फोड़ता दिखाई देता है। ये रोंगटे खड़े करने वाला सीन है। प्रशांत वर्मा जो एक टैलेंटेड कहानीकार है, वो अपनी राइटिंग और कहानी से फैंस को अक्सर चौंकाते रहते हैं। ट्रेलर में अंधरंद्री को शानदार दंग से दिखाया गया है। तेजा सज्जा एक दलित आदमी के रोल में है जो बाद में सुपर हीरो बनकर सामने आता है। सुपर विलन के रूप में विनय राय घातक है। देश रधि शिवेंद्र की सिनेमाटोग्राफी भी कमाल की है। कुल मिलाकर इसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने की पूरी कोशिश की गई है। ये इंडियन सुपर हीरो फिल्म प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म है। इसका ट्रेलर काफी इम्प्रेस कर रहा है। जाहिर तौर पर जब ये सिनेमाघरों में उतरेगी तो बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार देखने को मिल सकता है। प्रोड्यूसर के निरंजन रेड्डी के बनाई हनुमान 12 जनवरी को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तेलुगु फिल्म हनुमान का रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर रिलीज। इंडियन सुपर हीरो के अवतार में तेजा सज्जा ने उड़ाए होश। तेजा सज्जा स्टारर तेलुगु सिनेमा की सुपर हीरो फिल्म हनुमान का टीजर रिलीज होने के बाद से ही फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब मेकर्स ने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ाते हुए इस मोस्ट अवेटेड फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज कर दिया है। ट्रेलर बेहद ही दमदार है और इसे देखकर यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसमें पौराणिक कथाओं और कल्पना का मिश्रण दिखाया गया है। ट्रेलर की शुरुआत में तेजा सज्जा समुद्र की अथाह गहराइयों में नजर आते हैं। इसके बाद भगवान हनुमान का वर्णन करते हुए बैकग्राउंड साउंड आती है और फिर
गदा लिए हनुमान जी की बड़ी सी प्रतिमा दिखती है और फिर तेजस जंगल में चीते से भी तेज दौड़ते हुए नजर आते हैं। एक के बाद एक ये सीन्स रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। इसके बाद तेजा जमीन पर अपना मुक्का मारते हैं और दुश्मन हवा में उड़ जाते हैं। ये सब देखकर गांव वाले हनुमान का जयकारा लगाते हैं। फिर तेजा बड़ी सी चट्टान अपने हाथों में लिए नजर आते हैं, जिसे देखकर गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। फिर एक घटना घटती है और तेज श्री राम का जयकारा लगाते हुए भगवान हनुमान जितने बलवान नजर आते हैं। ट्रेलर में काफी एक्शन भी देखने को मिला है। ओवरऑल फिल्म का ट्रेलर काफी जबरदस्त है। बैकग्राउंड में संस्कृत श्लोक इसे और भी शानदार बना रहे हैं। तेलुगु सुपर हीरो फिल्म हनुमान में तेजा सजा के अलावा विनय राय, अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी, शरद कुमार, राज दीपक शेट्टी, विनेला किशोर और कई अन्य कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है। हनुमान काल्पनिक गांव अंजरदारी पर बेस्ड है। इस फिल्म को प्रशांत वर्मा द्वारा निर्देशित किया गया है। ये फिल्म अपनी पहली किश्त के रूप में एक नया सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने के लिए तैयार है। ये फिल्म अगले साल यानी 12 जनवरी 2024 को संक्रांति के अवसर पर रिलीज होगी। रोंगटे खड़े करने वाले सीन और मंत्र जप से भरा क्लिप, सुपर हीरो के रोल में छा गए तेजस सज्जा। प्रशांत वर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म हनुमान को लेकर कई महीनों से हर तरफ चर्चा थी। इसके टीजर ने लोगों के बीच एक्साइटमेंट पैदा कर दी थी और अब ट्रेलर भी कुछ ऐसा ही कमाल दिखा रहा है। 19 दिसंबर को मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया। लीड रोल में एक्टर तेजा सज्जा गंभीर रफ्तार में नजर आ रहे हैं। टीजर रिलीज होने से पहले तेलुगु राज्य के बाहर फिल्म के लिए कोई बड़ी चर्चा नहीं थी, लेकिन इसके क्लिप वायरल होने के बाद से ये देश की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनती दिखाई दे रही है। ट्रेलर की शुरुआत हीरो के पानी में गोता लगाने से होती है। वो वहाँ कुछ अजीब सा देखता है। उसके बाद के सीन्स में वो एक सुपर हीरो बनकर दिखाई देता है और उसके पास महाशक्तियाँ होती है। फिर आता है फिल्म का विलेन, जो दुनिया पर राज करना चाहता है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए वास्तविक शक्तियों की तलाश में है। वो अपनी सेना के साथ अंधनंद्री में आता है और वह सब कुछ नष्ट कर देता है। अच्छाई और बुराई की लड़ाई कहानी को और मजबूत बना रही है। भगवान हनुमान का अंतिम सीन श्री राम का जप करता है और फिर बर्फ फोड़ता दिखाई देता है। ये रोंगटे खड़े करने वाला सीन है। प्रशांत वर्मा जो एक टैलेंटेड कहानीकार है, वो अपनी राइटिंग और कहानी से फैंस को अक्सर चौंकाते रहते हैं। ट्रेलर में अंधरंद्री को शानदार दंग से दिखाया गया है। तेजस सज्जा एक दलित आदमी के रोल में है जो बाद में सुपर हीरो बनकर सामने आता है। सुपर विलन के रूप में विनय राय घातक है। देशरथी शिवेंद्र की सिनेमाटोग्राफी भी कमाल की है। कुल मिलाकर इसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने की पूरी कोशिश की गई है। ये इंडियन सुपर हीरो फिल्म प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म है। इसका ट्रेलर काफी इम्प्रेस कर रहा है। जाहिर तौर पर जब ये सिनेमाघरों में उतरेगी तो बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार देखने को मिल सकता है। प्रोड्यूसर के निरंजन रेड्डी के बनाई हनुमान 12 जनवरी को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तेलुगु फिल्म हनुमान का रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर रिलीज। इंडियन सुपर हीरो के अवतार में तेजा सज्जा ने उड़ाए होश। तेजा सज्जा स्टारर तेलुगु सिनेमा की सुपर हीरो फिल्म हनुमान का टीजर रिलीज होने के बाद से ही फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब मेकर्स ने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ाते हुए इस मोस्ट अवेटेड फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज कर दिया है। ट्रेलर बेहद ही दमदार है और इसे देखकर यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसमें पौराणिक कथाओं और कल्पना का मिश्रण दिखाया गया है। ट्रेलर की शुरुआत में तेजा सज्जा समुद्र की अथाह गहराइयों में नजर आते हैं। इसके बाद भगवान हनुमान का वर्णन करते हुए बैकग्राउंड साउंड आती है और फिर गदा लिए हनुमान जी की बड़ी सी प्रतिमा दिखती है और फिर तेजस जंगल में चीते से भी तेज दौड़ते हुए नजर आते हैं। एक के बाद एक ये सीन्स रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। इसके बाद तेजा जमीन पर अपना मुक्का मारते हैं और दुश्मन हवा में उड़ जाते हैं। ये सब देखकर गांव वाले हनुमान का जयकारा लगाते हैं। फिर तेजा बड़ी सी चट्टान अपने हाथों में लिए नजर आते हैं, जिसे देखकर गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। फिर एक घटना घटती है और तेज श्री राम का जयकारा लगाते हुए भगवान हनुमान
जितने बलवान नजर आते हैं। ट्रेलर में काफी एक्शन भी देखने को मिला है। ओवरऑल फिल्म का ट्रेलर काफी जबरदस्त है। बैकग्राउंड में संस्कृत श्लोक इसे और भी शानदार बना रहे हैं। तेलुगु सुपर हीरो फिल्म हनुमान में तेजा सजा के अलावा विनय राय, अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी, शरद कुमार, राज, दीपक शेट्टी, विनेला किशोर और कई अन्य कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है। हनुमान काल्पनिक गांव अंजरदारी पर बेस्ड है। इस फिल्म को प्रशांत वर्मा द्वारा निर्देशित किया गया है। ये फिल्म अपनी पहली किश्त के रूप में एक नया सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने के लिए तैयार है। ये फिल्म अगले साल यानी 12 जनवरी 2024 को संक्रांति के अवसर पर रिलीज होगी। रोंगटे खड़े करने वाले सीन और मंत्र जप से भरा क्लिप, सुपर हीरो के रोल में छा गए तेजा सज्जा। प्रशांत वर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म हनुमान को लेकर कई महीनों से हर तरफ चर्चा थी। इसके टीजर ने लोगों के बीच एक्साइटमेंट पैदा कर दी थी और अब ट्रेलर भी कुछ ऐसा ही कमाल दिखा रहा है। 19 दिसंबर को मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया। लीड रोल में एक्टर तेजा सज्जा गंभीर अवतार में नजर आ रहे हैं। टीजर रिलीज होने से पहले तेलुगु राज्य के बाहर फिल्म के लिए कोई बड़ी चर्चा नहीं थी, लेकिन इसके क्लिप वायरल होने के बाद से ये देश की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनती दिखाई दे रही है। ट्रेलर की शुरुआत हीरो के पानी में गोता लगाने से होती है। वो वहाँ कुछ अजीब सा देखता है। उसके बाद के सीन्स में वो एक सुपर हीरो बनकर दिखाई देता है और उसके पास महाशक्तियाँ होती है। फिर आता है फिल्म का विलन जो दुनिया पर राज करना चाहता है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए वास्तविक शक्तियों की तलाश में है। वो अपनी सेना के साथ अंधनंद्री में आता है और वह सब कुछ नष्ट कर देता है। अच्छाई और बुराई की लड़ाई कहानी को और मजबूत बना रही है। भगवान हनुमान का अंतिम सीन श्री राम का जप करता है और फिर बर्फ फोड़ता दिखाई देता है। ये रोंगटे खड़े करने वाला सीन है। प्रशांत वर्मा जो एक टैलेंटेड कहानीकार है, वो अपनी राइटिंग और कहानी से फैंस को अक्सर चौंकाते रहते हैं। ट्रेलर में अंधरंद्री को शानदार दंग से दिखाया गया है। तेजस सज्जा एक दलित आदमी के रोल में है जो बाद में सुपर हीरो बनकर सामने आता है। सुपर विलन के रूप में विनय राय घातक है। देशरथि शिवेंद्र की सिनेमाटोग्राफी भी कमाल की है। कुल मिलाकर इसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने की पूरी कोशिश की गई है। ये इंडियन सुपर हीरो फिल्म प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म है। इसका ट्रेलर काफी इम्प्रेस कर रहा है। जाहिर तौर पर जब ये सिनेमाघरों में उतरेगी तो बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार देखने को मिल सकता है। प्रोड्यूसर के निरंजन रेड्डी की बनाई हनुमान 12 जनवरी को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तेलुगु फिल्म हनुमान का रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर रिलीज। इंडियन सुपर हीरो के अवतार में तेजा सज्जा ने उड़ाए होश। तेजा सज्जा स्टारर तेलुगु सिनेमा की सुपर हीरो फिल्म हनुमान का टीजर रिलीज होने के बाद से ही फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब मेकर्स ने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ाते हुए इस मोस्ट अवेटेड फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज कर दिया है। ट्रेलर बेहद ही दमदार है और इसे देखकर यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसमें पौराणिक कथाओं और कल्पना का मिश्रण दिखाया गया है। ट्रेलर की शुरुआत में तेजा सज्जा समुद्र की अथाह गहराइयों में नजर आते हैं। इसके बाद भगवान हनुमान का वर्णन करते हुए बैकग्राउंड साउंड आती है और फिर गदा लिए हनुमान जी की बड़ी सी प्रतिमा दिखती है और फिर तेजस जंगल में चीते से भी तेज दौड़ते हुए नजर आते हैं। एक के बाद एक ये सीन्स रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। इसके बाद तेजा जमीन पर अपना मुक्का मारते हैं और दुश्मन हवा में उड़ जाते हैं। ये सब देखकर गांव वाले हनुमान का जयकारा लगाते हैं। फिर तेजा बड़ी सी चट्टान अपने हाथों में लिए नजर आते हैं, जिसे देखकर गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। फिर एक घटना घटती है और तेज श्री राम का जयकारा लगाते हुए भगवान हनुमान जितने बलवान नजर आते हैं। ट्रेलर में काफी एक्शन भी देखने को मिला है। ओवरऑल फिल्म का ट्रेलर काफी जबरदस्त है। बैकग्राउंड में संस्कृत श्लोक इसे और भी शानदार बना रहे हैं। तेलुगु सुपर हीरो फिल्म हनुमान में तेजा सजा के अलावा विनय राय, अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी, शरद कुमार, राज, दीपक शेट्टी, विनेला किशोर और कई अन्य कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है। हनुमान काल्पनिक गांव अंजरदारी पर बेस्ड है। इस फिल्म को प्रशांत वर्मा द्वारा निर्देशित किया गया है। ये फिल्म अपनी पहली किश्त के रूप में एक नया सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने के लिए तैयार है।
ये फिल्म अगले साल यानी 12 जनवरी 2024 को संक्रांति के अवसर पर रिलीज होगी। रोंगटे खड़े करने वाले सीन और मंत्र जप से भरा क्लिप, सुपरहीरो के रोल में छा गए तेजस सज्जा। प्रशांत वर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म हनुमान को लेकर कई महीनों से हर तरफ चर्चा थी। इसके टीजर ने लोगों के बीच एक्साइटमेंट पैदा कर दी थी और अब ट्रेलर भी कुछ ऐसा ही कमाल दिखा रहा है। 19 दिसंबर को मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया। लीड रोल में एक्टर तेजस सज्जा गंभीर रफ्तार में नजर आ रहे हैं। टीजर रिलीज होने से पहले तेलुगु राज्य के बाहर फिल्म के लिए कोई बड़ी चर्चा नहीं थी, लेकिन इसके क्लिप वायरल होने के बाद से ये देश की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनती दिखाई दे रही है। ट्रेलर की शुरुआत हीरो के पानी में गोता लगाने से होती है। वो वहाँ कुछ अजीब सा देखता है। उसके बाद के सीन्स में वो एक सुपर हीरो बनकर दिखाई देता है और उसके पास महाशक्तियाँ होती है। फिर आता है फिल्म का विलेन जो दुनिया पर राज करना चाहता है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए वास्तविक शक्तियों की तलाश में है। वो अपनी सेना के साथ अंदरनंद्री में आता है और वह सब कुछ नष्ट कर देता है। अच्छाई और बुराई की लड़ाई कहानी को और मजबूत बना रही है। भगवान हनुमान का अंतिम सीन श्री राम का जप करता है और फिर बर्फ फोड़ता दिखाई देता है। ये रोंगटे खड़े करने वाला सीन है। प्रशांत वर्मा जो एक टैलेंटेड कहानीकार है, वो अपनी राइटिंग और कहानी से फैंस को अक्सर चौंकाते रहते हैं। ट्रेलर में अंधरंद्री को शानदार दंग से दिखाया गया है। तेजस सज्जा एक दलित आदमी के रोल में है जो बाद में सुपर हीरो बनकर सामने आता है। सुपर विलन के रूप में विनय राय घातक है। देश रधि शिवेंद्र की सिनेमाटोग्राफी भी कमाल की है। कुल मिलाकर इसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने की पूरी कोशिश की गई है। ये इंडियन सुपर हीरो फिल्म प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म है। इसका ट्रेलर काफी इम्प्रेस कर रहा है। जाहिर तौर पर जब ये सिनेमाघरों में उतरेगी तो बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार देखने को मिल सकता है। प्रोड्यूसर के निरंजन रेड्डी के बनाई हनुमान 12 जनवरी को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तेलुगु फिल्म हनुमान का रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर रिलीज। इंडियन सुपर हीरो के अवतार में तेजस सज्जा ने उड़ाए होश। तेजस सज्जा स्टारर तेलुगु सिनेमा की सुपर हीरो फिल्म हनुमान का टीजर रिलीज होने के बाद से ही फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब मेकर्स ने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ाते हुए इस मोस्ट अवेटेड फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज कर दिया है। ट्रेलर बेहद ही दमदार है और इसे देखकर यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसमें पौराणिक कथाओं और कल्पना का मिश्रण दिखाया गया है। ट्रेलर की शुरुआत में तेजस सज्जा समुद्र की अथाह गहराइयों में नजर आते हैं। इसके बाद भगवान हनुमान का वर्णन करते हुए बैकग्राउंड साउंड आती है और फिर गदा लिए हनुमान जी की बड़ी सी प्रतिमा दिखती है और फिर तेजस जंगल में चीते से भी तेज दौड़ते हुए नजर आते हैं। एक के बाद एक ये सीन्स रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। इसके बाद तेजा जमीन पर अपना मुक्का मारते हैं और दुश्मन हवा में उड़ जाते हैं। ये सब देखकर गांव वाले हनुमान का जयकारा लगाते हैं। फिर तेजा बड़ी सी चट्टान अपने हाथों में लिए नजर आते हैं, जिसे देखकर गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। फिर एक घटना घटती है और तेज श्री राम का जयकारा लगाते हुए भगवान हनुमान जितने बलवान नजर आते हैं। ट्रेलर में काफी एक्शन भी देखने को मिला है। ओवरऑल फिल्म का ट्रेलर काफी जबरदस्त है। बैकग्राउंड में संस्कृत श्लोक इसे और भी शानदार बना रहे हैं। तेलुगु सुपर हीरो फिल्म हनुमान में तेजस सज्जा के अलावा विनय राय, अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी शरद कुमार, राज दीपक शेट्टी, विनेला किशोर और कई अन्य कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है। हनुमान काल्पनिक गाँव अंजरदारी पर बेस्ड है। इस फिल्म को प्रशांत वर्मा द्वारा निर्देशित किया गया है। ये फिल्म अपनी पहली किश्त के रूप में एक नया सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने के लिए तैयार है। ये फिल्म अगले साल यानी 12 जनवरी 2024 को संक्रांति के अवसर पर रिलीज होगी। रोंगटे खड़े करने वाले सीन और मंत्र जप से भरा क्लिप, सुपर हीरो के रोल में छा गए तेजस सज्जा। प्रशांत वर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म हनुमान को लेकर कई महीनों से हर तरफ चर्चा थी। इसके टीजर ने लोगों के बीच एक्साइटमेंट पैदा कर दी थी और अब ट्रेलर भी कुछ ऐसा ही कमाल दिखा रहा है। 19 दिसंबर को मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया। लीड रोल में एक्टर तेजस सज्जा गंभीर रफ्तार में नजर आ रहे हैं।
टीजर रिलीज होने से पहले तेलुगु राज्य के बाहर फिल्म के लिए कोई बड़ी चर्चा नहीं थी, लेकिन इसके क्लिप वायरल होने के बाद से ये देश की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनती दिखाई दे रही है। ट्रेलर की शुरुआत हीरो के पानी में गोता लगाने से होती है, वो वहाँ कुछ अजीब सा देखता है। उसके बाद के सीन्स में वो एक सुपर हीरो बनकर दिखाई देता है और उसके पास महाशक्तियाँ होती है। फिर आता है फिल्म का विलेन जो दुनिया पर राज करना चाहता है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए वास्तविक शक्तियों की तलाश में है। वो अपनी सेना के साथ अंदरनंद्री में आता है और वह सब कुछ नष्ट कर देता है। अच्छाई और बुराई की लड़ाई कहानी को और मजबूत बना रही है। भगवान हनुमान का अंतिम सीन श्री राम का जप करता है और फिर बर्फ फोड़ता दिखाई देता है। ये रोंगटे खड़े करने वाला सीन है। प्रशांत वर्मा जो एक टैलेंटेड कहानीकार है, वो अपनी राइटिंग और कहानी से फैंस को अक्सर चौंकाते रहते हैं। ट्रेलर में अंधरंद्री को शानदार दंग से दिखाया गया है। तेज और सज्जा एक दलित आदमी के रोल में है जो बाद में सुपर हीरो बनकर सामने आता है। सुपर विलन के रूप में विनय राय घातक है। देश रधि शिवेंद्र की सिनेमाटोग्राफी भी कमाल की है। कुल मिलाकर इसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने की पूरी कोशिश की गई है। ये इंडियन सुपर हीरो फिल्म प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म है। इसका ट्रेलर काफी इम्प्रेस कर रहा है। जाहिर तौर पर जब ये सिनेमाघरों में उतरेगी तो बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार देखने को मिल सकता है। प्रोड्यूसर के निरंजन रेड्डी के बनाई हनुमान 12 जनवरी को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तेलुगु फिल्म हनुमान का रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर रिलीज। इंडियन सुपर हीरो के अवतार में तेजा सज्जा ने उड़ाए होश। तेजा सज्जा स्टारर तेलुगु सिनेमा की सुपर हीरो फिल्म हनुमान का टीजर रिलीज होने के बाद से ही फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब मेकर्स ने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ाते हुए इस मोस्ट अवेटेड फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज कर दिया है। ट्रेलर बेहद ही दमदार है और इसे देखकर यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसमें पौराणिक कथाओं और कल्पना का मिश्रण दिखाया गया है। ट्रेलर की शुरुआत में तेजा सज्जा समुद्र की अथाह गहराइयों में नजर आते हैं। इसके बाद भगवान हनुमान का वर्णन करते हुए बैकग्राउंड साउंड आती है और फिर गदा लिए हनुमान जी की बड़ी सी प्रतिमा दिखती है और फिर तेजस जंगल में चीते से भी तेज दौड़ते हुए नजर आते हैं। एक के बाद एक ये सीन्स रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। इसके बाद तेजा जमीन पर अपना मुक्का मारते हैं और दुश्मन हवा में उड़ जाते हैं। ये सब देखकर गांव वाले हनुमान का जयकारा लगाते हैं। फिर तेजा बड़ी सी चट्टान अपने हाथों में लिए नजर आते हैं, जिसे देखकर गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। फिर एक घटना घटती है और तेज श्री राम का जयकारा लगाते हुए भगवान हनुमान जितने बलवान नजर आते हैं। ट्रेलर में काफी एक्शन भी देखने को मिला है। ओवरऑल फिल्म का ट्रेलर काफी जबरदस्त है। बैकग्राउंड में संस्कृत श्लोक इसे और भी शानदार बना रहे हैं। तेलुगु सुपर हीरो फिल्म हनुमान में तेजा सज्जा के अलावा विनय राय, अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी शरद कुमार, राज दीपक शेट्टी, विनेला किशोर और कई अन्य कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है। हनुमान काल्पनिक गांव अंजरदारी पर बेस्ड है। इस फिल्म को प्रशांत वर्मा द्वारा निर्देशित किया गया है। ये फिल्म अपनी पहली किश्त के रूप में एक नया सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने के लिए तैयार है। ये फिल्म अगले साल यानी 12 जनवरी 2024 को संक्रांति के अवसर पर रिलीज होगी। रोंगटे खड़े करने वाले सीन और मंत्र जप से भरा क्लिप। सुपर हीरो के रोल में छा गए तेजा सज्जा। प्रशांत वर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म हनुमान को लेकर कई महीनों से हर तरफ चर्चा थी। इसके टीजर ने लोगों के बीच एक्साइटमेंट पैदा कर दी थी और अब ट्रेलर भी कुछ ऐसा ही कमाल दिखा रहा है। 19 दिसंबर को मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया। लीड रोल में एक्टर तेजा सज्जा गंभीर अवतार में नजर आ रहे हैं। टीजर रिलीज होने से पहले तेलुगु राज्य के बाहर फिल्म के लिए कोई बड़ी चर्चा नहीं थी, लेकिन इसके क्लिप वायरल होने के बाद से ये देश की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनती दिखाई दे रही है। ट्रेलर की शुरुआत हीरो के पानी में गोता लगाने से होती है, वो वहाँ कुछ अजीब सा देखता है। उसके बाद के सीन्स में वो एक सुपर हीरो बनकर दिखाई देता है और उसके पास महाशक्तियाँ होती है। फिर आता है फिल्म का विलेन जो दुनिया पर राज करना चाहता है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए वास्तविक शक्तियों की तलाश में है। वो अपनी सेना के साथ
अंधनंद्री में आता है और वह सब कुछ नष्ट कर देता है। अच्छाई और बुराई की लड़ाई कहानी को और मजबूत बना रही है। भगवान हनुमान का अंतिम सीन श्री राम का जप करता है और फिर बर्फ फोड़ता दिखाई देता है। ये रोंगटे खड़े करने वाला सीन है। प्रशांत वर्मा जो एक टैलेंटेड कहानीकार है, वो अपनी राइटिंग और कहानी से फैंस को अक्सर चौंकाते रहते हैं। ट्रेलर में अंधरंद्री को शानदार दंग से दिखाया गया है। तेज और सज्जा एक दलित आदमी के रोल में है जो बाद में सुपर हीरो बनकर सामने आता है। सुपर विलन के रूप में विनय राय घातक है। देश रधि शिवेंद्र की सिनेमाटोग्राफी भी कमाल की है। कुल मिलाकर इसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने की पूरी कोशिश की गई है। ये इंडियन सुपर हीरो फिल्म प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म है। इसका ट्रेलर काफी इंप्रेस कर रहा है। जाहिर तौर पर जब ये सिनेमाघरों में उतरेगी तो बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार देखने को मिल सकता है। प्रोड्यूसर के निरंजन रेड्डी के बनाई हनुमान 12 जनवरी को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तेलुगु फिल्म हनुमान का रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर रिलीज। इंडियन सुपर हीरो के अवतार में तेजा सज्जा ने उड़ाए होश। तेजा सज्जा स्टारर तेलुगु सिनेमा की सुपर हीरो फिल्म हनुमान का टीजर रिलीज होने के बाद से ही फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब मेकर्स ने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ाते हुए इस मोस्ट अवेटेड फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज कर दिया है। ट्रेलर बेहद ही दमदार है और इसे देखकर यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसमें पौराणिक कथाओं और कल्पना का मिश्रण दिखाया गया है। ट्रेलर की शुरुआत में तेजा सज्जा समुद्र की अथाह गहराइयों में नजर आते हैं। इसके बाद भगवान हनुमान का वर्णन करते हुए बैकग्राउंड साउंड आती है और फिर गदा लिए हनुमान जी की बड़ी सी प्रतिमा दिखती है और फिर तेजस जंगल में चीते से भी तेज दौड़ते हुए नजर आते हैं। एक के बाद एक ये सीन्स रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। इसके बाद तेजा जमीन पर अपना मुक्का मारते हैं और दुश्मन हवा में उड़ जाते हैं। ये सब देखकर गांव वाले हनुमान का जयकारा लगाते हैं। फिर तेजा बड़ी सी चट्टान अपने हाथों में लिए नजर आते हैं, जिसे देखकर गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। फिर एक घटना घटती है और तेज श्री राम का जयकारा लगाते हुए भगवान हनुमान जितने बलवान नजर आते हैं। ट्रेलर में काफी एक्शन भी देखने को मिला है। ओवरऑल फिल्म का ट्रेलर काफी जबरदस्त है। बैकग्राउंड में संस्कृत श्लोक इसे और भी शानदार बना रहे हैं। तेलुगु सुपर हीरो फिल्म हनुमान में तेजा सज्जा के अलावा विनय राय, अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी शरद कुमार, राज दीपक शेट्टी, विनेला किशोर और कई अन्य कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है। हनुमान काल्पनिक गांव अंजरदारी पर बेस्ड है। इस फिल्म को प्रशांत वर्मा द्वारा निर्देशित किया गया है। ये फिल्म अपनी पहली किश्त के रूप में एक नया सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने के लिए तैयार है। ये फिल्म अगले साल यानी 12 जनवरी 2024 को संक्रांति के अवसर पर रिलीज होगी। रोंगटे खड़े करने वाले सीन और मंत्र जप से भरा क्लिप। सुपर हीरो के रोल में छा गए तेजा सज्जा। प्रशांत वर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म हनुमान को लेकर कई महीनों से हर तरफ चर्चा थी। इसके टीजर ने लोगों के बीच एक्साइटमेंट पैदा कर दी थी और अब ट्रेलर भी कुछ ऐसा ही कमाल दिखा रहा है। 19 दिसंबर को मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया। लीड रोल में एक्टर तेजा सज्जा गंभीर रफ्तार में नजर आ रहे हैं। टीजर रिलीज होने से पहले तेलुगु राज्य के बाहर फिल्म के लिए कोई बड़ी चर्चा नहीं थी, लेकिन इसके क्लिप वायरल होने के बाद से ये देश की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनती दिखाई दे रही है। ट्रेलर की शुरुआत हीरो के पानी में गोता लगाने से होती है। वो वहाँ कुछ अजीब सा देखता है। उसके बाद के सीन्स में वो एक सुपर हीरो बनकर दिखाई देता है और उसके पास महाशक्तियाँ होती है। फिर आता है फिल्म का विलन जो दुनिया पर राज करना चाहता है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए वास्तविक शक्तियों की तलाश में है। वो अपनी सेना के साथ अंधनंद्री में आता है और वह सब कुछ नष्ट कर देता है। अच्छाई और बुराई की लड़ाई कहानी को और मजबूत बना रही है। भगवान हनुमान का अंतिम सीन श्री राम का जप करता है और फिर बर्फ फोड़ता दिखाई देता है। ये रोंगटे खड़े करने वाला सीन है। प्रशांत वर्मा जो एक टैलेंटेड कहानीकार है, वो अपनी राइटिंग और कहानी से फैंस को अक्सर चौंकाते रहते हैं। ट्रेलर में अंधरंद्री को शानदार दंग से दिखाया गया है। तेज और सज्जा एक दलित आदमी के रोल में है जो बाद में सुपर हीरो बनकर सामने आता है। सुपर विलन के रूप में विनय राय घातक है।
देश रधि शिवेंद्र की सिनेमाटोग्राफी भी कमाल की है। कुल मिलाकर इसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने की पूरी कोशिश की गई है। ये इंडियन सुपर हीरो फिल्म प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म है। इसका ट्रेलर काफी इम्प्रेस कर रहा है। जाहिर तौर पर जब ये सिनेमाघरों में उतरेगी तो बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार देखने को मिल सकता है। प्रोड्यूसर के निरंजन रेड्डी के बनाई हनुमान 12 जनवरी को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तेलुगु फिल्म हनुमान का रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर रिलीज। इंडियन सुपर हीरो के अवतार में तेजा सज्जा ने उड़ाए होश। तेजा सज्जा स्टारर तेलुगु सिनेमा की सुपर हीरो फिल्म हनुमान का टीजर रिलीज होने के बाद से ही फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब मेकर्स ने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ाते हुए इस मोस्ट अवेटेड फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज कर दिया है। ट्रेलर बेहद ही दमदार है और इसे देख कर यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसमें पौराणिक कथाओं और कल्पना का मिश्रण दिखाया गया है। ट्रेलर की शुरुआत में तेजा सज्जा समुद्र की अथाह गहराइयों में नजर आते हैं। इसके बाद भगवान हनुमान का वर्णन करते हुए बैकग्राउंड साउंड आती है और फिर गदा लिए हनुमान जी की बड़ी सी प्रतिमा दिखती है और फिर तेजस जंगल में चीते से भी तेज दौड़ते हुए नजर आते हैं। एक के बाद एक ये सीन्स रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। इसके बाद तेजा जमीन पर अपना मुक्का मारते हैं और दुश्मन हवा में उड़ जाते हैं। ये सब देखकर गांव वाले हनुमान का जयकारा लगाते हैं। फिर तेजा बड़ी सी चट्टान अपने हाथों में लिए नजर आते हैं, जिसे देखकर गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। फिर एक घटना घटती है और तेज श्री राम का जयकारा लगाते हुए भगवान हनुमान जितने बलवान नजर आते हैं। ट्रेलर में काफी एक्शन भी देखने को मिला है। ओवरऑल फिल्म का ट्रेलर काफी जबरदस्त है। बैकग्राउंड में संस्कृत श्लोक इसे और भी शानदार बना रहे हैं। तेलुगु सुपर हीरो फिल्म हनुमान में तेजा सज्जा के अलावा विनय राय, अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी शरद कुमार, राज दीपक शेट्टी, विनेला किशोर और कई अन्य कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है। हनुमान काल्पनिक गांव अंजरदारी पर बेस्ड है। इस फिल्म को प्रशांत वर्मा द्वारा निर्देशित किया गया है। ये फिल्म अपनी पहली किश्त के रूप में एक नया सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने के लिए तैयार है। ये फिल्म अगले साल यानी 12 जनवरी 2024 को संक्रांति के अवसर पर रिलीज होगी। रोंगटे खड़े करने वाले सीन और मंत्र जप से भरा क्लिप। सुपर हीरो के रोल में छा गए तेजा सज्जा। प्रशांत वर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म हनुमान को लेकर कई महीनों से हर तरफ चर्चा थी। इसके टीजर ने लोगों के बीच एक्साइटमेंट पैदा कर दी थी और अब ट्रेलर भी कुछ ऐसा ही कमाल दिखा रहा है। 19 दिसंबर को मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया। लीड रोल में एक्टर तेजा सज्जा गंभीर अवतार में नजर आ रहे हैं। टीजर रिलीज होने से पहले तेलुगु राज्य के बाहर फिल्म के लिए कोई बड़ी चर्चा नहीं थी, लेकिन इसके क्लिप वायरल होने के बाद से ये देश की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनती दिखाई दे रही है। ट्रेलर की शुरुआत हीरो के पानी में गोता लगाने से होती है। वो वहाँ कुछ अजीब सा देखता है। उसके बाद के सीन्स में वो एक सुपर हीरो बनकर दिखाई देता है और उसके पास महाशक्तियाँ होती है। फिर आता है फिल्म का विलन, जो दुनिया पर राज करना चाहता है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए वास्तविक शक्तियों की तलाश में है। वो अपनी सेना के साथ अंधनंद्री में आता है और वह सब कुछ नष्ट कर देता है। अच्छाई और बुराई की लड़ाई कहानी को और मजबूत बना रही है। भगवान हनुमान का अंतिम सीन श्री राम का जप करता है और फिर बर्फ फोड़ता दिखाई देता है। ये रोंगटे खड़े करने वाला सीन है। प्रशांत वर्मा, जो एक टैलेंटेड कहानीकार है, वो अपनी राइटिंग और कहानी से फैंस को अक्सर चौंकाते रहते हैं। ट्रेलर में अंधरंद्री को शानदार दंग से दिखाया गया है। तेजा सज्जा एक दलित आदमी के रोल में है, जो बाद में सुपर हीरो बनकर सामने आता है। सुपर विलन के रूप में विनय राय घातक है। देश रधि शिवेंद्र की सिनेमाटोग्राफी भी कमाल की है। कुल मिलाकर इसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने की पूरी कोशिश की गई है। ये इंडियन सुपर हीरो फिल्म प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म है। इसका ट्रेलर काफी इम्प्रेस कर रहा है। जाहिर तौर पर जब ये सिनेमाघरों में उतरेगी तो बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार देखने को मिल सकता है। प्रोड्यूसर के निरंजन रेड्डी की बनाई हनुमान 12 जनवरी को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तेलुगु फिल्म हनुमान का रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर रिलीज।
इंडियन सुपर हीरो के अवतार में तेजा सज्जा ने उड़ाए होश। तेजा सज्जा स्टारर तेलुगु सिनेमा की सुपर हीरो फिल्म हनुमान का टीजर रिलीज होने के बाद से ही फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब मेकर्स ने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ाते हुए इस मोस्ट अवेटेड फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज कर दिया है। ट्रेलर बेहद ही दमदार है और इसे देखकर यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसमें पौराणिक कथाओं और कल्पना का मिश्रण दिखाया गया है। ट्रेलर की शुरुआत में तेजा सज्जा समुद्र की अथाह गहराइयों में नजर आते हैं। इसके बाद भगवान हनुमान का वर्णन करते हुए बैकग्राउंड साउंड आती है और फिर गदा लिए हनुमान जी की बड़ी सी प्रतिमा दिखती है और फिर तेजस जंगल में चीते से भी तेज दौड़ते हुए नजर आते हैं। एक के बाद एक ये सीन्स रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। इसके बाद तेजा जमीन पर अपना मुक्का मारते हैं और दुश्मन हवा में उड़ जाते हैं। ये सब देखकर गांव वाले हनुमान का जयकारा लगाते हैं। फिर तेजा बड़ी सी चट्टान अपने हाथों में लिए नजर आते हैं, जिसे देखकर गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। फिर एक घटना घटती है और तेज श्री राम का जयकारा लगाते हुए भगवान हनुमान जितने बलवान नजर आते हैं। ट्रेलर में काफी एक्शन भी देखने को मिला है। ओवरऑल फिल्म का ट्रेलर काफी जबरदस्त है। बैकग्राउंड में संस्कृत श्लोक इसे और भी शानदार बना रहे हैं। तेलुगु सुपर हीरो फिल्म हनुमान में तेजा सज्जा के अलावा विनय राय, अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी शरद कुमार, राज दीपक शेट्टी, विनेला किशोर और कई अन्य कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है। हनुमान काल्पनिक गांव अंजरदारी पर बेस्ड है। इस फिल्म को प्रशांत वर्मा द्वारा निर्देशित किया गया है। ये फिल्म अपनी पहली किश्त के रूप में एक नया सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने के लिए तैयार है। ये फिल्म अगले साल यानी 12 जनवरी 2024 को संक्रांति के अवसर पर रिलीज होगी। रोंगटे खड़े करने वाले सीन और मंत्र जप से भरा क्लिप, सुपर हीरो के रोल में छा गए तेजा सज्जा। प्रशांत वर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म हनुमान को लेकर कई महीनों से हर तरफ चर्चा थी। इसके टीजर ने लोगों के बीच एक्साइटमेंट पैदा कर दी थी और अब ट्रेलर भी कुछ ऐसा ही कमाल दिखा रहा है। 19 दिसंबर को मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया। लीड रोल में एक्टर तेजा सज्जा गंभीर रफ्तार में नजर आ रहे हैं। टीजर रिलीज होने से पहले तेलुगु राज्य के बाहर फिल्म के लिए कोई बड़ी चर्चा नहीं थी, लेकिन इसके क्लिप वायरल होने के बाद से ये देश की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनती दिखाई दे रही है। ट्रेलर की शुरुआत हीरो के पानी में गोता लगाने से होती है। वो वहाँ कुछ अजीब सा देखता है। उसके बाद के सीन्स में वो एक सुपर हीरो बनकर दिखाई देता है और उसके पास महाशक्तियाँ होती है। फिर आता है फिल्म का विलेन जो दुनिया पर राज करना चाहता है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए वास्तविक शक्तियों की तलाश में है। वो अपनी सेना के साथ अंधनंद्री में आता है और वह सब कुछ नष्ट कर देता है। अच्छाई और बुराई की लड़ाई कहानी को और मजबूत बना रही है। भगवान हनुमान का अंतिम सीन श्री राम का जप करता है और फिर बर्फ फोड़ता दिखाई देता है। ये रोंगटे खड़े करने वाला सीन है। प्रशांत वर्मा जो एक टैलेंटेड कहानीकार है, वो अपनी राइटिंग और कहानी से फैंस को अक्सर चौंकाते रहते हैं। ट्रेलर में अंधरंद्री को शानदार दंग से दिखाया गया है। तेजा सज्जा एक दलित आदमी के रोल में है जो बाद में सुपर हीरो बनकर सामने आता है। सुपर विलन के रूप में विनय राय घातक है। देश रधि शिवेंद्र की सिनेमाटोग्राफी भी कमाल की है। कुल मिलाकर इसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने की पूरी कोशिश की गई है। ये इंडियन सुपर हीरो फिल्म प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म है। इसका ट्रेलर काफी इम्प्रेस कर रहा है। जाहिर तौर पर जब ये सिनेमाघरों में उतरेगी तो बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार देखने को मिल सकता है। प्रोड्यूसर के निरंजन रेड्डी के बनाई हनुमान 12 जनवरी को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तेलुगु फिल्म हनुमान का रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर रिलीज। इंडियन सुपर हीरो के अवतार में तेजा सज्जा ने उड़ाए होश। तेजा सज्जा स्टारर तेलुगु सिनेमा की सुपर हीरो फिल्म हनुमान का टीजर रिलीज होने के बाद से ही फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब मेकर्स ने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ाते हुए इस मोस्ट अवेटेड फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज कर दिया है। ट्रेलर बेहद ही दमदार है और इसे देखकर यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसमें पौराणिक कथाओं और कल्पना का मिश्रण दिखाया गया है। ट्रेलर की शुरुआत में तेजा सज्जा समुद्र की अथाह गहराइयों में नजर आते हैं। इसके बाद भगवान हनुमान का वर्णन करते हुए बैकग्राउंड साउंड आती है और फिर
गदा लिए हनुमान जी की बड़ी सी प्रतिमा दिखती है और फिर तेजस जंगल में चीते से भी तेज दौड़ते हुए नजर आते हैं। एक के बाद एक ये सीन्स रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। इसके बाद तेजा जमीन पर अपना मुक्का मारते हैं और दुश्मन हवा में उड़ जाते हैं। ये सब देखकर गांव वाले हनुमान का जयकारा लगाते हैं। फिर तेजा बड़ी सी चट्टान अपने हाथों में लिए नजर आते हैं, जिसे देखकर गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। फिर एक घटना घटती है और तेज श्री राम का जयकारा लगाते हुए भगवान हनुमान जितने बलवान नजर आते हैं। ट्रेलर में काफी एक्शन भी देखने को मिला है। ओवरऑल फिल्म का ट्रेलर काफी जबरदस्त है। बैकग्राउंड में संस्कृत श्लोक इसे और भी शानदार बना रहे हैं। तेलुगु सुपर हीरो फिल्म हनुमान में तेजा सजा के अलावा विनय राय, अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी, शरद कुमार, राज दीपक शेट्टी, विनेला किशोर और कई अन्य कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है। हनुमान काल्पनिक गांव अंजरदारी पर बेस्ड है। इस फिल्म को प्रशांत वर्मा द्वारा निर्देशित किया गया है। ये फिल्म अपनी पहली किश्त के रूप में एक नया सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने के लिए तैयार है। ये फिल्म अगले साल यानी 12 जनवरी 2024 को संक्रांति के अवसर पर रिलीज होगी। रोंगटे खड़े करने वाले सीन और मंत्र जप से भरा क्लिप, सुपर हीरो के रोल में छा गए तेजा सज्जा। प्रशांत वर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म हनुमान को लेकर कई महीनों से हर तरफ चर्चा थी। इसके टीजर ने लोगों के बीच एक्साइटमेंट पैदा कर दी थी और अब ट्रेलर भी कुछ ऐसा ही कमाल दिखा रहा है। 19 दिसंबर को मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया। लीड रोल में एक्टर तेजा सज्जा गंभीर अवतार में नजर आ रहे हैं। टीजर रिलीज होने से पहले तेलुगु राज्य के बाहर फिल्म के लिए कोई बड़ी चर्चा नहीं थी, लेकिन इसके क्लिप वायरल होने के बाद से ये देश की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनती दिखाई दे रही है। ट्रेलर की शुरुआत हीरो के पानी में गोता लगाने से होती है। वो वहाँ कुछ अजीब सा देखता है। उसके बाद के सीन्स में वो एक सुपर हीरो बनकर दिखाई देता है और उसके पास महाशक्तियाँ होती है। फिर आता है फिल्म का विलन, जो दुनिया पर राज करना चाहता है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए वास्तविक शक्तियों की तलाश में है। वो अपनी सेना के साथ अंधनंद्री में आता है और वह सब कुछ नष्ट कर देता है। अच्छाई और बुराई की लड़ाई कहानी को और मजबूत बना रही है। भगवान हनुमान का अंतिम सीन श्री राम का जप करता है और फिर बर्फ फोड़ता दिखाई देता है। ये रोंगटे खड़े करने वाला सीन है। प्रशांत वर्मा, जो एक टैलेंटेड कहानीकार है, वो अपनी राइटिंग और कहानी से फैंस को अक्सर चौंकाते रहते हैं। ट्रेलर में अंधरंद्री को शानदार ढंग से दिखाया गया है। तेजस सज्जा एक दलित आदमी के रोल में है, जो बाद में सुपर हीरो बनकर सामने आता है। सुपर विलन के रूप में विनय राय घातक है। देशरथी शिवेंद्र की सिनेमाटोग्राफी भी कमाल की है। कुल मिलाकर इसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने की पूरी कोशिश की गई है। ये इंडियन सुपर हीरो फिल्म प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म है। इसका ट्रेलर काफी इम्प्रेस कर रहा है। जाहिर तौर पर जब ये सिनेमाघरों में उतरेगी तो बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार देखने को मिल सकता है। प्रोड्यूसर के निरंजन रेड्डी की बनाई हनुमान 12 जनवरी को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तेलुगु फिल्म हनुमान का रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर रिलीज। इंडियन सुपर हीरो के अवतार में तेजा सज्जा ने उड़ाए होश। तेजा सज्जा स्टारर तेलुगु सिनेमा की सुपर हीरो फिल्म हनुमान का टीजर रिलीज होने के बाद से ही फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब मेकर्स ने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ाते हुए इस मोस्ट अवेटेड फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज कर दिया है। ट्रेलर बेहद ही दमदार है और इसे देखकर यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसमें पौराणिक कथाओं और कल्पना का मिश्रण दिखाया गया है। ट्रेलर की शुरुआत में तेजा सज्जा समुद्र की अथाह गहराइयों में नजर आते हैं। इसके बाद भगवान हनुमान का वर्णन करते हुए बैकग्राउंड साउंड आती है और फिर गदा लिए हनुमान जी की बड़ी सी प्रतिमा दिखती है और फिर तेजस जंगल में चीते से भी तेज दौड़ते हुए नजर आते हैं। एक के बाद एक ये सीन्स रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। इसके बाद तेजा जमीन पर अपना मुक्का मारते हैं और दुश्मन हवा में उड़ जाते हैं। ये सब देखकर गांव वाले हनुमान का जयकारा लगाते हैं। फिर तेजा बड़ी सी चट्टान अपने हाथों में लिए नजर आते हैं, जिसे देखकर गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। फिर एक घटना घटती है और तेज श्री राम का जयकारा लगाते हुए भगवान हनुमान
जितने बलवान नजर आते हैं। ट्रेलर में काफी एक्शन भी देखने को मिला है। ओवरऑल फिल्म का ट्रेलर काफी जबरदस्त है। बैकग्राउंड में संस्कृत श्लोक इसे और भी शानदार बना रहे हैं। तेलुगु सुपर हीरो फिल्म हनुमान में तेजा सजा के अलावा विनय राय, अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी शरद कुमार, राज दीपक शेट्टी, विनेला किशोर और कई अन्य कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है। हनुमान काल्पनिक गांव अंजरदारी पर बेस्ड है। इस फिल्म को प्रशांत वर्मा द्वारा निर्देशित किया गया है। ये फिल्म अपनी पहली किश्त के रूप में एक नया सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने के लिए तैयार है। ये फिल्म अगले साल यानी 12 जनवरी 2024 को संक्रांति के अवसर पर रिलीज होगी। रोंगटे खड़े करने वाले सीन और मंत्र जप से भरा क्लिप, सुपर हीरो के रोल में छा गए तेजा सज्जा। प्रशांत वर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म हनुमान को लेकर कई महीनों से हर तरफ चर्चा थी। इसके टीजर ने लोगों के बीच एक्साइटमेंट पैदा कर दी थी और अब ट्रेलर भी कुछ ऐसा ही कमाल दिखा रहा है। 19 दिसंबर को मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया। लीड रोल में एक्टर तेजा सज्जा गंभीर अवतार में नजर आ रहे हैं। टीजर रिलीज होने से पहले तेलुगु राज्य के बाहर फिल्म के लिए कोई बड़ी चर्चा नहीं थी, लेकिन इसके क्लिप वायरल होने के बाद से ये देश की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनती दिखाई दे रही है। ट्रेलर की शुरुआत हीरो के पानी में गोता लगाने से होती है। वो वहाँ कुछ अजीब सा देखता है। उसके बाद के सीन्स में वो एक सुपर हीरो बनकर दिखाई देता है और उसके पास महाशक्तियाँ होती है। फिर आता है फिल्म का विलेन जो दुनिया पर राज करना चाहता है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए वास्तविक शक्तियों की तलाश में है। वो अपनी सेना के साथ अंधनंद्री में आता है और वह सब कुछ नष्ट कर देता है। अच्छाई और बुराई की लड़ाई कहानी को और मजबूत बना रही है। भगवान हनुमान का अंतिम सीन श्री राम का जप करता है और फिर बर्फ फोड़ता दिखाई देता है। ये रोंगटे खड़े करने वाला सीन है। प्रशांत वर्मा जो एक टैलेंटेड कहानीकार है, वो अपनी राइटिंग और कहानी से फैंस को अक्सर चौंकाते रहते हैं। ट्रेलर में अंधरंद्री को शानदार दंग से दिखाया गया है। तेजा सज्जा एक दलित आदमी के रोल में है जो बाद में सुपर हीरो बनकर सामने आता है। सुपर विलन के रूप में विनय राय घातक है। देश रधि शिवेंद्र की सिनेमाटोग्राफी भी कमाल की है। कुल मिलाकर इसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने की पूरी कोशिश की गई है। ये इंडियन सुपर हीरो फिल्म प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म है। इसका ट्रेलर काफी इम्प्रेस कर रहा है। जाहिर तौर पर जब ये सिनेमाघरों में उतरेगी तो बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार देखने को मिल सकता है। प्रोड्यूसर के निरंजन रेड्डी के बनाई हनुमान 12 जनवरी को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तेलुगु फिल्म हनुमान का रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर रिलीज। इंडियन सुपर हीरो के अवतार में तेजा सज्जा ने उड़ाए होश। तेजा सज्जा स्टारर तेलुगु सिनेमा की सुपर हीरो फिल्म हनुमान का टीजर रिलीज होने के बाद से ही फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब मेकर्स ने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ाते हुए इस मोस्ट अवेटेड फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज कर दिया है। ट्रेलर बेहद ही दमदार है और इसे देखकर यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसमें पौराणिक कथाओं और कल्पना का मिश्रण दिखाया गया है। ट्रेलर की शुरुआत में तेजा सज्जा समुद्र की अथाह गहराइयों में नजर आते हैं। इसके बाद भगवान हनुमान का वर्णन करते हुए बैकग्राउंड साउंड आती है और फिर गदा लिए हनुमान जी की बड़ी सी प्रतिमा दिखती है और फिर तेजस जंगल में चीते से भी तेज दौड़ते हुए नजर आते हैं। एक के बाद एक ये सीन्स रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। इसके बाद तेजा जमीन पर अपना मुक्का मारते हैं और दुश्मन हवा में उड़ जाते हैं। ये सब देखकर गांव वाले हनुमान का जयकारा लगाते हैं। फिर तेजा बड़ी सी चट्टान अपने हाथों में लिए नजर आते हैं, जिसे देखकर गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। फिर एक घटना घटती है और तेज श्री राम का जयकारा लगाते हुए भगवान हनुमान जितने बलवान नजर आते हैं। ट्रेलर में काफी एक्शन भी देखने को मिला है। ओवरऑल फिल्म का ट्रेलर काफी जबरदस्त है। बैकग्राउंड में संस्कृत श्लोक इसे और भी शानदार बना रहे हैं। तेलुगु सुपर हीरो फिल्म हनुमान में तेजा सजा के अलावा विनय राय, अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी शरद कुमार, राज दीपक शेट्टी, विनेला किशोर और कई अन्य कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है। हनुमान काल्पनिक गांव अंजरदारी पर बेस्ड है। इस फिल्म को प्रशांत वर्मा द्वारा निर्देशित किया गया है। ये फिल्म अपनी पहली किश्त के रूप में एक नया सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने के लिए तैयार है।
ये फिल्म अगले साल यानी 12 जनवरी 2024 को संक्रांति के अवसर पर रिलीज होगी। रोंगटे खड़े करने वाले सीन और मंत्र जप से भरा क्लिप, सुपर हीरो के रोल में छा गए तेजस सज्जा। प्रशांत वर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म हनुमान को लेकर कई महीनों से हर तरफ चर्चा थी। इसके टीजर ने लोगों के बीच एक्साइटमेंट पैदा कर दी थी और अब ट्रेलर भी कुछ ऐसा ही कमाल दिखा रहा है। 19 दिसंबर को मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया। लीड रोल में एक्टर तेजस सज्जा गंभीर रफ्तार में नजर आ रहे हैं। टीजर रिलीज होने से पहले तेलुगु राज्य के बाहर फिल्म के लिए कोई बड़ी चर्चा नहीं थी, लेकिन इसके क्लिप वायरल होने के बाद से ये देश की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनती दिखाई दे रही है। ट्रेलर की शुरुआत हीरो के पानी में गोता लगाने से होती है। वो वहाँ कुछ अजीब सा देखता है। उसके बाद के सीन्स में वो एक सुपर हीरो बनकर दिखाई देता है और उसके पास महाशक्तियाँ होती है। फिर आता है फिल्म का विलेन जो दुनिया पर राज करना चाहता है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए वास्तविक शक्तियों की तलाश में है। वो अपनी सेना के साथ अंधनंद्री में आता है और वह सब कुछ नष्ट कर देता है। अच्छाई और बुराई की लड़ाई कहानी को और मजबूत बना रही है। भगवान हनुमान का अंतिम सीन श्री राम का जप करता है और फिर बर्फ फोड़ता दिखाई देता है। ये रोंगटे खड़े करने वाला सीन है। प्रशांत वर्मा जो एक टैलेंटेड कहानीकार है, वो अपनी राइटिंग और कहानी से फैंस को अक्सर चौंकाते रहते हैं। ट्रेलर में अंधरंद्री को शानदार ढंग से दिखाया गया है। तेजस सज्जा एक दलित आदमी के रोल में है जो बाद में सुपर हीरो बनकर सामने आता है। सुपर विलन के रूप में विनय राय घातक है। देशरथी शिवेंद्र की सिनेमाटोग्राफी भी कमाल की है। कुल मिलाकर इसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने की पूरी कोशिश की गई है। ये इंडियन सुपर हीरो फिल्म प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म है। इसका ट्रेलर काफी इम्प्रेस कर रहा है। जाहिर तौर पर जब ये सिनेमाघरों में उतरेगी तो बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार देखने को मिल सकता है। प्रोड्यूसर के निरंजन रेड्डी के बनाई हनुमान 12 जनवरी को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तेलुगु फिल्म हनुमान का रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर रिलीज। इंडियन सुपर हीरो के अवतार में तेजस सज्जा ने उड़ाए होश। तेजस सज्जा स्टारर तेलुगु सिनेमा की सुपर हीरो फिल्म हनुमान का टीजर रिलीज होने के बाद से ही फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब मेकर्स ने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ाते हुए इस मोस्ट अवेटेड फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज कर दिया है। ट्रेलर बेहद ही दमदार है और इसे देखकर यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसमें पौराणिक कथाओं और कल्पना का मिश्रण दिखाया गया है। ट्रेलर की शुरुआत में तेजस सज्जा समुद्र की अथाह गहराइयों में नजर आते हैं। इसके बाद भगवान हनुमान का वर्णन करते हुए बैकग्राउंड साउंड आती है और फिर गदा लिए हनुमान जी की बड़ी सी प्रतिमा दिखती है और फिर तेजस जंगल में चीते से भी तेज दौड़ते हुए नजर आते हैं। एक के बाद एक ये सीन्स रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। इसके बाद तेजा जमीन पर अपना मुक्का मारते हैं और दुश्मन हवा में उड़ जाते हैं। ये सब देखकर गांव वाले हनुमान का जयकारा लगाते हैं। फिर तेजा बड़ी सी चट्टान अपने हाथों में लिए नजर आते हैं, जिसे देखकर गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। फिर एक घटना घटती है और तेजस श्री राम का जयकारा लगाते हुए भगवान हनुमान जितने बलवान नजर आते हैं। ट्रेलर में काफी एक्शन भी देखने को मिला है। ओवरऑल फिल्म का ट्रेलर काफी जबरदस्त है। बैकग्राउंड में संस्कृत श्लोक इसे और भी शानदार बना रहे हैं। तेलुगु सुपर हीरो फिल्म हनुमान में तेजस सज्जा के अलावा विनय राय, अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी शरद कुमार, राज दीपक शेट्टी, विनेला किशोर और कई अन्य कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है। हनुमान काल्पनिक गाँव अंजरदारी पर बेस्ड है। इस फिल्म को प्रशांत वर्मा द्वारा निर्देशित किया गया है। ये फिल्म अपनी पहली किश्त के रूप में एक नया सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने के लिए तैयार है। ये फिल्म अगले साल यानी 12 जनवरी 2024 को संक्रांति के अवसर पर रिलीज होगी। रोंगटे खड़े करने वाले सीन और मंत्र जप से भरा क्लिप, सुपर हीरो के रोल में छा गए तेजस सज्जा। प्रशांत वर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म हनुमान को लेकर कई महीनों से हर तरफ चर्चा थी। इसके टीजर ने लोगों के बीच एक्साइटमेंट पैदा कर दी थी और अब ट्रेलर भी कुछ ऐसा ही कमाल दिखा रहा है। 19 दिसंबर को मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया। लीड रोल में एक्टर तेजस सज्जा गंभीर रफ्तार में नजर आ रहे हैं।
टीजर रिलीज होने से पहले तेलुगु राज्य के बाहर फिल्म के लिए कोई बड़ी चर्चा नहीं थी, लेकिन इसके क्लिप वायरल होने के बाद से ये देश की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनती दिखाई दे रही है। ट्रेलर की शुरुआत हीरो के पानी में गोता लगाने से होती है, वो वहाँ कुछ अजीब सा देखता है। उसके बाद के सीन्स में वो एक सुपर हीरो बनकर दिखाई देता है और उसके पास महाशक्तियाँ होती है। फिर आता है फिल्म का विलन जो दुनिया पर राज करना चाहता है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए वास्तविक शक्तियों की तलाश में है। वो अपनी सेना के साथ अंधनंद्री में आता है और वह सब कुछ नष्ट कर देता है। अच्छाई और बुराई की लड़ाई कहानी को और मजबूत बना रही है। भगवान हनुमान का अंतिम सीन श्री राम का जप करता है और फिर बर्फ फोड़ता दिखाई देता है। ये रोंगटे खड़े करने वाला सीन है। प्रशांत वर्मा जो एक टैलेंटेड कहानीकार है, वो अपनी राइटिंग और कहानी से फैंस को अक्सर चौंकाते रहते हैं। ट्रेलर में अंधरंद्री को शानदार दंग से दिखाया गया है। तेज और सज्जा एक दलित आदमी के रोल में है जो बाद में सुपर हीरो बनकर सामने आता है। सुपर विलन के रूप में विनय राय घातक है। देश रधि शिवेंद्र की सिनेमाटोग्राफी भी कमाल की है। कुल मिलाकर इसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने की पूरी कोशिश की गई है। ये इंडियन सुपर हीरो फिल्म प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म है। इसका ट्रेलर काफी इम्प्रेस कर रहा है। जाहिर तौर पर जब ये सिनेमाघरों में उतरेगी तो बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार देखने को मिल सकता है। प्रोड्यूसर के निरंजन रेड्डी की बनाई हनुमान 12 जनवरी को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तेलुगु फिल्म हनुमान का रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर रिलीज। इंडियन सुपर हीरो के अवतार में तेजा सज्जा ने उड़ाए होश। तेजा सज्जा स्टारर तेलुगु सिनेमा की सुपर हीरो फिल्म हनुमान का टीजर रिलीज होने के बाद से ही फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब मेकर्स ने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ाते हुए इस मोस्ट अवेटेड फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज कर दिया है। ट्रेलर बेहद ही दमदार है और इसे देखकर यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसमें पौराणिक कथाओं और कल्पना का मिश्रण दिखाया गया है। ट्रेलर की शुरुआत में तेजा सज्जा समुद्र की अथाह गहराइयों में नजर आते हैं। इसके बाद भगवान हनुमान का वर्णन करते हुए बैकग्राउंड साउंड आती है और फिर गदा लिए हनुमान जी की बड़ी सी प्रतिमा दिखती है और फिर तेजस जंगल में चीते से भी तेज दौड़ते हुए नजर आते हैं। एक के बाद एक ये सीन्स रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। इसके बाद तेजा जमीन पर अपना मुक्का मारते हैं और दुश्मन हवा में उड़ जाते हैं। ये सब देखकर गांव वाले हनुमान का जयकारा लगाते हैं। फिर तेजा बड़ी सी चट्टान अपने हाथों में लिए नजर आते हैं, जिसे देखकर गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। फिर एक घटना घटती है और तेज श्री राम का जयकारा लगाते हुए भगवान हनुमान जितने बलवान नजर आते हैं। ट्रेलर में काफी एक्शन भी देखने को मिला है। ओवरऑल फिल्म का ट्रेलर काफी जबरदस्त है। बैकग्राउंड में संस्कृत श्लोक इसे और भी शानदार बना रहे हैं। तेलुगु सुपर हीरो फिल्म हनुमान में तेजा सज्जा के अलावा विनय राय, अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी शरद कुमार, राज दीपक शेट्टी, विनेला किशोर और कई अन्य कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है। हनुमान काल्पनिक गाँव अंजरदारी पर बेस्ड है। इस फिल्म को प्रशांत वर्मा द्वारा निर्देशित किया गया है। ये फिल्म अपनी पहली किश्त के रूप में एक नया सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने के लिए तैयार है। ये फिल्म अगले साल यानी 12 जनवरी 2024 को संक्रांति के अवसर पर रिलीज होगी। रोंगटे खड़े करने वाले सीन और मंत्र जप से भरा क्लिप। सुपर हीरो के रोल में छा गए तेजा सज्जा। प्रशांत वर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म हनुमान को लेकर कई महीनों से हर तरफ चर्चा थी। इसके टीजर ने लोगों के बीच एक्साइटमेंट पैदा कर दी थी और अब ट्रेलर भी कुछ ऐसा ही कमाल दिखा रहा है। 19 दिसंबर को मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया। लीड रोल में एक्टर तेजा सज्जा गंभीर रफ्तार में नजर आ रहे हैं। टीजर रिलीज होने से पहले तेलुगु राज्य के बाहर फिल्म के लिए कोई बड़ी चर्चा नहीं थी, लेकिन इसके क्लिप वायरल होने के बाद से ये देश की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनती दिखाई दे रही है। ट्रेलर की शुरुआत हीरो के पानी में गोता लगाने से होती है, वो वहाँ कुछ अजीब सा देखता है। उसके बाद के सीन्स में वो एक सुपर हीरो बनकर दिखाई देता है और उसके पास महाशक्तियाँ होती है। फिर आता है फिल्म का विलन जो दुनिया पर राज करना चाहता है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए वास्तविक शक्तियों की तलाश में है। वो अपनी सेना के साथ
अंधनंदरी में आता है और वह सब कुछ नष्ट कर देता है। अच्छाई और बुराई की लड़ाई कहानी को और मजबूत बना रही है। भगवान हनुमान का अंतिम सीन श्री राम का जप करता है और फिर बर्फ फोड़ता दिखाई देता है। ये रोंगटे खड़े करने वाला सीन है। प्रशांत वर्मा जो एक टैलेंटेड कहानीकार है, वो अपनी राइटिंग और कहानी से फैंस को अक्सर चौंकाते रहते हैं। ट्रेलर में अंधरंद्री को शानदार दंग से दिखाया गया है। तेज और सज्जा एक दलित आदमी के रोल में है जो बाद में सुपर हीरो बनकर सामने आता है। सुपर विलन के रूप में विनय राय घातक है। देश रधि शिवेंद्र की सिनेमाटोग्राफी भी कमाल की है। कुल मिलाकर इसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने की पूरी कोशिश की गई है। ये इंडियन सुपर हीरो फिल्म प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म है। इसका ट्रेलर काफी इम्प्रेस कर रहा है। जाहिर तौर पर जब ये सिनेमाघरों में उतरेगी तो बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार देखने को मिल सकता है। प्रोड्यूसर के निरंजन रेड्डी के बनाई हनुमान 12 जनवरी को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तेलुगु फिल्म हनुमान का रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर रिलीज। इंडियन सुपर हीरो के अवतार में तेजा सज्जा ने उड़ाए होश। तेजा सज्जा स्टारर तेलुगु सिनेमा की सुपर हीरो फिल्म हनुमान का टीजर रिलीज होने के बाद से ही फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब मेकर्स ने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ाते हुए इस मोस्ट अवेटेड फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज कर दिया है। ट्रेलर बेहद ही दमदार है और इसे देखकर यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसमें पौराणिक कथाओं और कल्पना का मिश्रण दिखाया गया है। ट्रेलर की शुरुआत में तेजा सज्जा समुद्र की अथाह गहराइयों में नजर आते हैं। इसके बाद भगवान हनुमान का वर्णन करते हुए बैकग्राउंड साउंड आती है और फिर गदा लिए हनुमान जी की बड़ी सी प्रतिमा दिखती है और फिर तेजस जंगल में चीते से भी तेज दौड़ते हुए नजर आते हैं। एक के बाद एक ये सीन्स रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। इसके बाद तेजा जमीन पर अपना मुक्का मारते हैं और दुश्मन हवा में उड़ जाते हैं। ये सब देखकर गांव वाले हनुमान का जयकारा लगाते हैं। फिर तेजा बड़ी सी चट्टान अपने हाथों में लिए नजर आते हैं, जिसे देखकर गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। फिर एक घटना घटती है और तेज श्री राम का जयकारा लगाते हुए भगवान हनुमान जितने बलवान नजर आते हैं। ट्रेलर में काफी एक्शन भी देखने को मिला है। ओवरऑल फिल्म का ट्रेलर काफी जबरदस्त है। बैकग्राउंड में संस्कृत श्लोक इसे और भी शानदार बना रहे हैं। तेलुगु सुपर हीरो फिल्म हनुमान में तेजा सज्जा के अलावा विनय राय, अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी, शरद कुमार, राज दीपक शेट्टी, विनेला किशोर और कई अन्य कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है। हनुमान काल्पनिक गाँव अंजरदारी पर बेस्ड है। इस फिल्म को प्रशांत वर्मा द्वारा निर्देशित किया गया है। ये फिल्म अपनी पहली किश्त के रूप में एक नया सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने के लिए तैयार है। ये फिल्म अगले साल यानी 12 जनवरी 2024 को संक्रांति के अवसर पर रिलीज होगी। रोंगटे खड़े करने वाले सीन और मंत्र जप से भरा क्लिप। सुपर हीरो के रोल में छा गए तेजा सज्जा। प्रशांत वर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म हनुमान को लेकर कई महीनों से हर तरफ चर्चा थी। इसके टीजर ने लोगों के बीच एक्साइटमेंट पैदा कर दी थी और अब ट्रेलर भी कुछ ऐसा ही कमाल दिखा रहा है। 19 दिसंबर को मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया। लीड रोल में एक्टर तेजा सज्जा गंभीर अवतार में नजर आ रहे हैं। टीजर रिलीज होने से पहले तेलुगु राज्य के बाहर फिल्म के लिए कोई बड़ी चर्चा नहीं थी, लेकिन इसके क्लिप वायरल होने के बाद से ये देश की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनती दिखाई दे रही है। ट्रेलर की शुरुआत हीरो के पानी में गोता लगाने से होती है। वो वहाँ कुछ अजीब सा देखता है। उसके बाद के सीन्स में वो एक सुपर हीरो बनकर दिखाई देता है और उसके पास महाशक्तियाँ होती है। फिर आता है फिल्म का विलन जो दुनिया पर राज करना चाहता है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए वास्तविक शक्तियों की तलाश में है। वो अपनी सेना के साथ अंधनंदरी में आता है और वह सब कुछ नष्ट कर देता है। अच्छाई और बुराई की लड़ाई कहानी को और मजबूत बना रही है। भगवान हनुमान का अंतिम सीन श्री राम का जप करता है और फिर बर्फ फोड़ता दिखाई देता है। ये रोंगटे खड़े करने वाला सीन है। प्रशांत वर्मा जो एक टैलेंटेड कहानीकार है, वो अपनी राइटिंग और कहानी से फैंस को अक्सर चौंकाते रहते हैं। ट्रेलर में अंधरंद्री को शानदार दंग से दिखाया गया है। तेज और सज्जा एक दलित आदमी के रोल में है जो बाद में सुपर हीरो बनकर सामने आता है। सुपर विलन के रूप में विनय राय घातक है। देश रधि शिवेंद्र की सिनेमाटोग्राफी भी
कमाल की है। कुल मिलाकर इसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने की पूरी कोशिश की गई है। ये इंडियन सुपर हीरो फिल्म प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म है। इसका ट्रेलर काफी इम्प्रेस कर रहा है। जाहिर तौर पर जब ये सिनेमाघरों में उतरेगी तो बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार देखने को मिल सकता है। प्रोड्यूसर के निरंजन रेड्डी के बनाई हनुमान 12 जनवरी को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज होगी।